ओके, तो कौन कौन से रह गए थे जरा बताओ। थर्ड असाइनमेंट। सर, एक तो आपने 79 और 80 छोड़ा था, ओके, आप कर लेंगे उसको। ओके, नो वी कैन डू दैट। वी नीड टू फाइंड आउट द बैंड गैप। पोटेंशियल दिया हुआ है, ओके, और आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है एग्जामिनर? बैंड गैप एट द फर्स्ट ब्रिलियंट जोन एज। ओके, तो उसके लिए आप ये वाला पिक्चर देखिए, लुक एट दिस। ये क्वेश्चन है, इसको करने के लिए आई नीड, ये क्या है? इट इज लैटिस पोटेंशियल। ये जो दिया हुआ है ना, लैटिस पोटेंशियल है। ओके, तो आपको बताना है कि फर्स्ट ब्रिलियन जोन इज लाइक दिस, एंड देन सेकेंड ब्रिलियन जोन, सेकेंड ब्रिलियन जोन इज लाइक दिस, इज लाइक दिस। तो सेकेंड और फर्स्ट ये दोनों सेम के वैल्यू पे लाई करते हैं, तो इसका और इसका एनर्जी घंटे में चलवा लूंगा, थोड़ी देर तू तो चला दे, सबको म्यूट कर दीजिए। सुप्रिया शर्मा, म्यूट योर सेल्फ। ओके, तो यहां पर हमें बैंड गैप फाइंड आउट करना है, ईजी बैंड गैप। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, पोटेंशियल दिया हुआ है। ओके, तो यू नीड टू फाइंड आउट द एनर्जी बैंड गैप करस्पॉन्डिंगली। तो उसके लिए ये पिक्चर हम देखेंगे। वी नो दैट इज द लैटिस पोटेंशियल। ये जो डायग्राम है किसका है? आयन कोर्स के लैटिस पोटेंशियल का है। तो यहां पर होता क्या है कि स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनता है जोन बाउंड्री पर। जोन बाउंड्री पर क्या बनता है? स्टैंडिंग वेव पैटर्न। तो ये जैसे मान लिया, ये दिस वेव इज, लेट्स से दिस वेव इज, लेट्स से इनकमिंग वेव। ये इनकमिंग वेव है। ओके, इनकमिंग वेव है, बाउंड्री से टकराएगी। इनकमिंग वेव बाउंड्री से टकराएगी तो कितने फेज डिफरेंस पर वापस आएगी? इट विल कम बैक एट 180 डिग्री फेज डिफरेंस। तो आप देख रहे हैं ये कैसा वेव पैटर्न बन रहा है यहां पर। ये कैसा वेव है? ये बन रहा है स्टैंडिंग वेव। दीज वेव्स आर, मतलब कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? एक इधर जाने वाली वेव और एक इधर जाने वाली वेव, ये कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? दिस विल बी नोन एज स्टैंडिंग वेव पैटर्न। स्टैंडिंग वेव पैटर्न क्यों जनरेट हुआ है? स्टैंडिंग वेव पैटर्न आप जानते हैं कि जब ब्रैग्स लॉ सेटिस्फाई होता है जोन बाउंड्री पर तो क्या होगा? ऐसे होगा। देखो, स्टैंडिंग वेव इसको कहते हैं। मान लिया कोई वेव इधर जा रही थी, तो ये कैसे जा रही थी? इट वॉज गोइंग लाइक दिस, इट वॉज गोइंग लाइक दिस। ओके, और वो वापस कैसे आएगी? इस तरह जा रही है वेव। ओके, इट विल कम बैक लाइक अपोजिट फेज, कम बैक लाइक अपोजिट फेज। लाइक दिस, तो ये एक तरफ से जाएगी, दूसरी तरफ से वापस आएगी। तो इस वेव पैटर्न को हम क्या कहेंगे? दिस विल बी नोन एज स्टैंडिंग वेव पैटर्न। ये जोन बाउंड्री थी, मान लिया। तो इन दोनों की एनर्जी में जो डिफरेंस होगा दोनों वेव्स की, वही बैंड गैप है। ओके, यहां पर आप देख रहे हैं ये जो साई प्लस दिखाया हुआ है, साई प्लस वेव। ओके, साई प्लस दिखाया हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वेव है, उसका जो वेव फंक्शन है वो क्या है?
ये जो ऐसे जाने वाली वेव है उसकी इलेक्ट्रॉन की वेव का वेव फंक्शन क्या है, साई प्लस। ओके, और जो ये वापस आने वाली वेव है इसका वेव फंक्शन क्या है, साई माइनस। तो दो वेव फंक्शन हो गए हमारे पास, इस वाली वेव का वेव फंक्शन साई प्लस सॉरी साई माइनस, और ये जो है ये वाली वेव, ये वेव इसका वेव फंक्शन क्या है, साई प्लस। ओके, दो वेव हो गए हमारे पास, इनकी जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वही बैंड गैप है। तो इसकी एनर्जी को हम क्या कहेंगे, इस वाली वेव की एनर्जी को हम कहेंगे एनर्जी ऑफ दिस वेव वुड बी ई प्लस, वेयर एज एनर्जी ऑफ दिस वेव विल बी ई माइनस। तो बैंड गैप किसके बराबर होगा, बैंड गैप किसके बराबर होगा, बैंड गैप ई जी किसके बराबर होगा, ई प्लस माइनस ई माइनस, यानी के इस वेव की एनर्जी में और इस वेव की एनर्जी में जो डिफरेंस होगा वही बैंड गैप है। ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, आपको निकालना है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ओके, ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल, कहां पर, इस वेव फंक्शन के लिए। ओके, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल फॉर दिस वेव फंक्शन, समझ रहे नहीं, e प्लस माइनस ई माइनस क्या होगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, यानी कि कैसे होगा, इट वुड बी लाइक दिस, eg जो होगा बैंड गैप, वो कभी भी निकालना हो आपको वन डायमेंशनल पोटेंशियल के लिए, कोई भी पोटेंशियल दिया हुआ हो तो वो ये होगा, क्या होगा, e प्लस माइनस ई माइनस, वो क्या होगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, यानी के क्या होगा, ई प्लस, ई प्लस कैसे निकलेगा, ई प्लस होगा ऐसे, ई प्लस की मैं अगर बात करता हूं तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं आप, यू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू इंटीग्रल। ओके, कैसे, ये जो पोटेंशियल दिया हुआ है यू एक्स, ओके, इस पर आप क्या लगाएंगे, साई मोड का स्क्वायर डी एक्स, साई प्लस मोड का स्क्वायर डी एक्स, ये कौन सा वाला हो गया, इट इज व्हाट, इट इज प्लस, ओके, माइनस, इंटीग्रल सेम लिमिट्स के ऊपर, ई माइनस क्या होगा, इट वुड बी यू, सॉरी, पोटेंशियल जो भी दिया हुआ है उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू कौन से वेव फंक्शन के ऊपर, माइनस वाले के ऊपर, ये होगा। ओके, तो अब हमें वेव फंक्शन फाइंड आउट करना है क्या है, ठीक है, तो जो साई प्लस वेव फंक्शन होता है, साई प्लस वेव फंक्शन, ओके, वो इस तरह का होता है, साई प्लस वेव फंक्शन जो होता है वो होता है ई पावर, जैसे प्लेन वेव जाएगी एक तरफ ऐसे जाएगी, ओके, और वापस कैसे आएगी, ये दो प्लेन वेव के वेव फंक्शन लिए मैंने, ये वेव एक्स डायरेक्शन में जा रही है ये वाली, और वो रिफ्लेक्ट होकर किसमें आएगी, माइनस एक्स में, ओके, तो यहां प्लस साइन है, और साई माइनस क्या होगा, साई माइनस होगा क्या, ई पावर आई के एक्स माइनस, क्योंकि दो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, एक मैक्स एक मिन, ओके, तो यहां पर ये किसके बराबर होगा, यहां पर ये वाला वेव फंक्शन किसके बराबर होगा, साई प्लस, इसको क्या लिख सकते हो आप, यू कैन राइट इट एज टू, टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड, टू कॉस के एक्स, एम आई राइट, कॉस फंक्शन, और ये क्या बन सकता है, टू आई साइन के एक्स, ओके, हाँ ये हो गया, तो मोड स्क्वायर क्या बनेगा, मोड स्क्वायर, साई मोड स्क्वायर, बताओ जरा, साई प्लस मोड स्क्वायर, प्रोबेबल, इसको क्या बोलते हैं, ये है वेव फंक्शन, ये है वेव फंक्शन, वेव फंक्शन, वेव फंक्शन, ओके, ये वेव फंक्शन है, और ये क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, टू एक मिनट, एम आई डूइंग इट,
कॉम्बिनेशन मैंने लिया है, आई टुक द कॉम्बिनेशन एंड देन ये हो गया। अभी इसको नॉर्मलाइज करना भी बाकी होगा। ओके तो लेट मी चेक फर्स्ट। ओके ये बन गया कितना, कॉस स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर टू नहीं फोर, ये मैंने सही लिखा है, ई पावर आई के एक्स ई पावर ये टू आएगा इसमें क्या, एक मिनट, ई पावर आई के एक्स डिवाइडेड बाय टू, ठीक है, ई पावर आई थीटा होता है ना, ई पावर आई थीटा ई पावर आई कॉस थीटा बनता है, ठीक है नहीं, हाँ ये ठीक लग रहा है। ओके ये कितना होगा, इट वुड बी एक मिनट, ओके ठीक है, ये ठीक है, जो कॉम्बिनेशन है साई प्लस इट वुड बी दिस। ओके आप सिंपली क्या लिखिए, मतलब इसको प्रोपोर्शनलिटी लिखिए, एग्जैक्ट मैं अभी लिखूंगा। ओके साई प्लस स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा, साइज कॉस के एक्स, ओके के एक्स, अच्छा ओके ये हो गया, साई माइनस का क्या होगा, इट वुड बी प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर kx। एक बात और नोटिस करिए कि ब्रिलियंट जोन बाउंड्री जहां से रिफ्लेक्शन होगा एट ब्रिलियंट जोन बाउंड्री, ये कहां बनेगी, ब्रिलियंट जोन बाउंड्री, वहां पर k की वैल्यू क्या होगी, k वुड बी प्लस माइनस पाई बाय, ब्रिलियंट जोन बाउंड्री पर k का वैल्यू क्या होता है, जोन बाउंड्री पर प्लस माइनस पाई बाय ए। तो ये जो वेव बनेगी, ये दोनों वेव आप जो देख रहे हैं ये वाली, ठीक है, वो कैसी बनेगी, इट वुड बी प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर, स्क्वायर है क्योंकि, तो k का वैल्यू आप प्लस ही लेके चलें, ओके तो कितना हो जाएगा, k की जगह पाई बाय रखूंगा, तो पाई ए पाई एक्स बाय ए, ओके और माइनस स्क्वायर किसके बराबर होगा, दोनों प्लस होंगी वैल्यूज, वाई बोथ आर प्लस क्योंकि स्क्वायर है, साइन में भी माइनस वैल्यू जो है स्क्वायर होगी प्लस हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, व्हाट यू आर सीइंग हियर, ये वो कॉस स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और ये किसके प्रोपोर्शनल है, साइन स्क्वायर के। तो ये तो दोनों है वेव्स हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज, प्लस का स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर, वो यहां प्लॉट की हुई है। तो यानी कि कॉस फंक्शन आयन के ऊपर मैक्सिमम देगा क्योंकि कॉस जीरो पर मैक्सिमम होता है, और साइन फंक्शन आयन के एकदम ऊपर यहां जीरो वैल्यू देगा क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है। ओके तो एक मैक्सिमा देगा एक मिनिमा देगा, इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस होगा दैट विल एक्ट एज बैंड गैप। ठीक है तो कैसे हो जाएगा यहां पर, लुक एट दिस। ओके अब आप जानते हैं, देखिए कि आपने देखा होगा कि कोई भी वेव फंक्शन हो, अगर मैं मान लिया कोई वेव फंक्शन लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग सम वेव फंक्शन इन दिस रेंज, ओके If I am writing wave function in this range, let's say 0 to L, तो normalized wave function क्या होगा? Normalization के लिए क्या लगता है? Normalization के लिए क्या factor लगता है normalization? Normalization factor लगता है under root 2 by L. Particle in a box का आप जानते होंगे normalization function? It is root 2 by L.
ओके तो इसका इसका नॉर्मलाइजेशन फंक्शन क्या होगा, क्योंकि रेंज कितनी है हमारी क्रिस्टल की, जो रेंज है मैक्सिमम कितनी होती है अगर हम के स्पेस में जाते हैं, तो के स्पेस में क्या होती है रेंज, प्लस माइनस पाई बाय ए। ओके तो यहां पर जो जो ये वाला वेव फंक्शन होगा, कोई भी वेव फंक्शन होगा, उसका नॉर्मलाइज क्या होगा, देखो मैं लिख रहा हूं आगे, तो ये साई प्लस समझ में आ गया, साई माइनस समझ में आ गया। उसके बाद हम चलते हैं बैंड गैप निकालने के लिए, बैंड गैप निकालने में हम ये फार्मूला लगाएंगे, ये वाला, तो इन दोनों को इंटीग्रल को मर्ज कर देंगे हम, ईजी ईजी को जब हम मर्ज करेंगे तो क्या बनेगा, वी विल मर्ज देम, देखिए ईजी को मर्ज कर रहा हूं मैं, ईजी ये वाले को एक इंटीग्रल बना दीजिए इसको, तो देखो ये होगा यू एक्स, कभी बैंड गैप निकालना हो तो ऐसे करोगे आप, यू एक्स एक साथ साई प्लस स्क्वायर, क्या हो गया साई प्लस मोड का स्क्वायर माइनस साई माइनस मोड का स्क्वायर डीएक्स, ये बनेगा ईजी का फॉर्मूला। ओके अब जो साई प्लस है वो क्या होगा एक्चुअल में, साई प्लस, ओके तो अगर हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन लेंगे, नॉर्मलाइज्ड सॉरी मैं तो म्यूट था, इतनी देर से बोल रहा हूं मैं, I was muted. Sorry. और मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता आपको सुनाई दिया होगा ये। तो what I was saying कि मतलब जो वेव होगी एक एक सीधा ट्रैवलिंग होगी। ओके ये कौन सी ट्रैवलिंग वेव है, इट इज ट्रैवलिंग वेव अलोंग एक्स डायरेक्शन, इट इज ट्रैवलिंग वेव अलोंग माइनस एक्स डायरेक्शन। ओके तो क्या होगा, ओके तो हमने उसका मतलब साई प्लस बनाने के लिए सम किया तो ये आता है, ओके साई माइनस किया तो ये आता है, ओके अब मैंने उसका जब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाला वेव फंक्शन से तो ये कॉस स्क्वायर के प्रपोजल होगा और एक साइन स्क्वायर के प्रपोजल होगा। I am now saying normalized wave function. तो normalized wave function क्या होगा, देखो normalization के लिए normalized wave function would be psi plus would be under root 2 by a. ये कैसे काम करेगा, it will act as normalized wave function. Okay? कितना हो जाएगा ये 2 cos 2 cos कौन सा फंक्शन था kx, k की जगह हमने क्या लिया है, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर कितना होता है, जैसे आप पार्टिकुलर बॉक्स का पढ़ते हैं ना, वहां पर नॉर्मलाइजेशन फैक्टर कितना लगेगा अंडर रूट 2 बाय l, तो यहां कितना लगेगा रूट 2 बाय a साई प्लस, और साई माइनस कितना होगा रूट 2 बाय a 2 आयोटा साइन पाई बाय a x। ओके अब मोड का आपको लेना है यहां पर मोड, ओके मोड के लिए क्या होगा ये फंक्शन, देखो यहां पर दोनों का स्क्वायर है मोड का स्क्वायर, तो बाहर क्या आएगा, बाहर कौन सा फंक्शन आएगा दोनों में कॉमन 2 बाय ए, डू यू फॉलो दिस, ओके आगे चलो, आगे होगा इंटीग्रल, ओके यू एक्स, ओके यू एक्स क्या है, व्हाट इज द यू एक्स, यू एक्स का वैल्यू फिल इन करेंगे, यू एक्स क्या गिवन है, या यू एक्स पहले अभी यू एक्स ऐसे ही लिख लो, ओके उसको बाद में फिल कर लेंगे कोई बात नहीं, हम दोनों का डिफरेंस लेना है मोड का डिफरेंस, देखो जरा साई प्लस के मोड का स्क्वायर माइनस साई मोड का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर विल गिव अस हाउ मच, देखो ये हो जाएगा दोनों में कॉमन, तो यानी कि 2 बाय ए वुड बी कॉमन टू बोथ, ओके अच्छा अब क्या हो रहा है यहां पर 2 वुड बी कॉमन, ये बन रहा है कॉस स्क्वायर पाई
एक्स बाय ए माइनस साइन स्क्वायर पाई एक्स बाय ए, ओके ये. तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, जैसे आप कर रहे हो क्या, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर टेकिंग डिफरेंस, ओके. कितना होगा ये बताओ, साइन स्क्वायर और ये, बोलिए. ये है इस तरह की चीज है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके. ये होगा, अब इसको क्या लिख सकते हो आप, कॉस स्क्वायर को वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वन कैसे हो गया, डिफरेंस है ना, ये तो प्लस सम होता है ना इनका, अच्छा वन माइनस होता है, सॉरी वन माइनस दिस, तो कितना हो गया, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर, आई थिंक कॉस टू थीटा होता है, तो इट इज कॉस टू थीटा, ओके, इट इज कॉस टू थीटा, कॉस थी, ये क्या होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस टू थीटा, ओके. तो ये कितना हो गया, ये टू का फैक्टर आ रहा है ना, टू का फैक्टर बाहर आ रहा है, ओके. तो ये हो गया टू बाय ए टू कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा का मतलब कितना हो गया, कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा का मतलब हो गया कॉस स्क्वायर टू बाय एक्स बाय ए, ये हो गया, इतना हो गया, ठीक है, चलो इतना आ गया हमारा दोनों का डिफरेंस, ओके. टू पाई बाई ए बाहर है ऑलरेडी, तो हमारा हो गया यहाँ पर टू कॉस स्क्वायर टू पाई एक्स बाई ए डीएक्स, ओके. अब आपको करना है इजी, तो अब हाँ लिमिट क्या होगी आपकी इंटीग्रेशन की, जीरो से ए, क्योंकि ये एक्स के ऊपर इंटीग्रेशन है, ओके. तो कितना हो जाएगा इजी, eg would be 2 by a integration 0 to a ux kitna hai u naught cos 2 by x by a aur iska value hamara kitna aaya hai nahi cos square nahi aayega na yahan pe cos 2 theta cos स्क्वायर नहीं आएगा, ये 2 ही आएगा, ओके. ये कितना आएगा, cos 2 pi x by a into कितना, 2 cos 2 pi x by a dx. ये लिमिट 0 से a क्यों है, ठीक है, क्योंकि k की लिमिट क्या है, k की लिमिट ब्रिलियन जोन बाउंड्री पर कितनी है, प्लस माइनस pi by a, तो उसके करस्पोंडिंग जो ये लिमिट होगी, ठीक है, वो pi by a होगी. तो अब ये देखो जरा, कॉस ये बन रहा है टू कॉस स्क्वायर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इट वुड बी जीरो टू ए, यू नॉट को कॉमन ले लिया मैंने, इसको बताना जरा कितना होगा, कॉस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर ऐसे बन रहा है, ये बन रहा है टू कॉस स्क्वायर टू थीटा बन रहा है, टू कॉस स्क्वायर टू थीटा, ओके. इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कितना, साइन में बना लो या कॉस में, तो अगर मैं लिखता क्या, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ओके, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन किसके बराबर होता है, साइन टू थीटा कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा, कॉस फोर थीटा, ओके, टू कॉस स्क्वायर माइनस टू कॉस फोर थीटा, आई थिंक ये सही है. तो ये कितने बराबर हो जाएगा, कॉस थी फोर थीटा प्लस वन, तो ये हो जाएगा कॉस कितना, कॉस फोर थीटा, फोर थीटा का मतलब कितना हुआ, फोर पाई एक्स बाई ए प्लस वन डी एक्स. काफी लेंथी क्वेश्चन है, ओके. इसको आप इंटीग्रेट करके देखना जरा,
एक मिनट, समथिंग इज मिसिंग। ये यू नोट बाय ए, टू यू नोट क्यों बच रहा है? चलो देखते हैं, लेट्स सी। ई जी कितना हो गया? 2 U0 by A, ओके। ओके, कितना हो गया? इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? साइन, इंटीग्रेशन विल बी साइन, आई थिंक इट विल बिकम जीरो, ये जीरो हो जाएगा, प्लस इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? एक्स का इंटीग्रेशन 0 to A, तो 2 U0 नहीं आएगा आंसर, U0 आएगा आंसर। मैंने 2 का फैक्टर कहां पे मिस कर दिया है? Where I took this extra 2. I am unmuting you. Tell me where I have mistaken. Sir? कहाँ मिस्टेक किया मैंने? हाँ सर, वहाँ पे जो मॉड स्क्वायर निकालने के टाइम ना, वो 2 का स्क्वायर तो 4 होगा ना, 4 आएगा तो, प्लस 4 आएगा, ताकि एक फैक्टर और आएगा ज्यादा, तो हाँ तब जाके ठीक होगा। ओके, इसका मतलब पता है क्या है? एक मिनट, यहाँ पर जो हमने प्लेन वेव को ऐड किया था, प्लेन वेव को ऐड किया था, यहाँ पर ये 2 का फैक्टर आएगा, है कि नहीं? यस सर। यहाँ पर आएगा? हाँ यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो हम कह रहे हैं प्रोपोर्शनल टू ये है, ओके? तो हमने नॉर्मलाइज वेव फंक्शन जो लिखा है ना, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, ओके? तो वो पता है क्या होगा? नॉर्मलाइज वेव फंक्शन में लिखने में गड़बड़ कर दी हमने, ये जो ना यहाँ पर ये 2 का फैक्टर नहीं आएगा नॉर्मलाइज करने के बाद, आप ठीक होगा क्या? नॉर्मलाइज करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा? 2 का फैक्टर तो आएगा ना, रूट 2 अपॉन है, अगर दोनों भी लेते हैं तो भी। हेलो सर। हाँ हाँ बताओ। जहाँ पर वेव फंक्शन 5 प्लस होगा, वहां पर k का दोनों डायरेक्शन रहेगा क्या, मतलब प्लस और माइनस दोनों ही? यस। ओके, एक मिनट, एक मिनट। तो देन यू नोट आ रहा है। हाँ ये एक्चुअली ना यहाँ पर जो है ना, ठीक है, यहाँ पर तो 2 आता है वाकई में, मतलब वो कह रहे हैं कि साई प्लस ऐसे निकलेगा, ओके, साई माइनस ऐसे निकलेगा, ओके ओके, बट जब उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं ना वे फंक्शन को, ओके, ब्रिलियन जोन बाउंड्री के ऊपर, ओके, तो वे फंक्शंस जो होंगे ना, वे फंक्शंस यही होंगे, ब्रिलियन जोन बाउंड्री से जब टकरा कर वेव वापस आएगी, तो इसका वेव फंक्शन साई प्लस वाला सिमेट्रिक टाइप का होगा और ये एसिमेट्रिक टाइप का होगा, ये होंगे वेव फंक्शंस, ओके। या इसको आप ऐसे समझो, छोड़ो सारी बातें, छोड़ो, लीव ऑल दीज थिंग्स, लीव ऑल दीज थिंग्स। आप जानते हैं, देखो जरा, नो सर, अगर आपके पास एक सर वो एवरेज लेते हैं तो डिवाइड हो जाता है 2 से ना, कोस स्क्वायर में 2 से 2 कैंसिल हो गया फिर वो। हाँ सुनो, देखो मान लिया एक्स जीरो से एक्स एल आपका कोई बॉक्स है, ओके, ठीक है, तो इसमें जो सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है आपका, आपने ये पढ़ा है, सॉरी ये वाला छोड़ो, ये वाला छोड़ो, आप ये वाला बताओ, जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी होगी, ऐसे प्रॉब्लम है सिमेट्रिक बॉक्स की, ओके, आप बता सकते हैं इसके कौन कौन से वेव फंक्शन आएंगे? अगर 0 से L वाला है तब तो कोई, 0 से L वाले में तो वेव फंक्शन क्या आता है? साइन वाला आता है, ओके? ऐसे में वेव फंक्शन क्या आएंगे? एक आएगा या 2 आएंगे? दो आएंगे। क्या क्या आएंगे? कॉस और साइन। कॉस के एक्स आता है उसमें, और एक क्या आता है, ये सिमेट्रिक टाइप का है,
एसिमेट्रिक टाइप का है, दो आते हैं, बाकी बातें छोड़ दो, लीव ऑल दीज थिंग्स ओके। आपको वेव फंक्शन पर फोकस करना है, ये आता है। के की अलाउड वैल्यूज क्या होती हैं यहाँ पर? 135 फर्स्ट वाले में। हाँ, के की जो पाई बाय एल होगी तो वेव फंक्शन कितना आएगा इसका? कितना आएगा वेव फंक्शन? वेव फंक्शन प्लस होगा कितना? रूट टू बाय एल, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है, रूट टू बाय एल कॉस कितना? पाई एक्स बाय एल ऐसे। और ये वाला कितना होगा? साई माइनस रूट टू बाय एल साइन पाई एक्स बाय एल ओके। तो अगर मैं डायमेंशंस को क्या कर दूं, अगर मैं डायमेंशंस को एल की जगह ए बना दूं ओके, तब क्या होगा? वेव फंक्शन, वेव फंक्शन विल सिंपली विल बिकम क्या? रूट टू बाय ए कॉस पाई एक्स बाय ए, रूट टू बाय ए साइन पाई एक्स बाय। ये आप याद कर सकते हैं, दैट यू कैन रिमेम्बर ओके। तो बाकी सारी बातें आप छोड़ सकते हैं, लीव ऑल दीज अदर थिंग्स ओके, ये देख सकते हैं ओके। तो ये क्या बता रहा है? इसका मोड का स्क्वायर आप करोगे, इसके मोड का स्क्वायर आपको बताएगा कि जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की वो कहाँ मैक्सिमम है। ये बताएगा वेव कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ मैक्सिमम है, आयन के ऊपर या आयन से दूर। ये बता रहा है उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ मैक्सिमम, आयन के ऊपर। और ये क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ है? आयन के बीच, दोनों आयन के बीच में, बीच में ओके। तो ये क्या है? ये एक स्टैंडिंग वेव पैटर्न फॉर्म कर रहा है, एक वेव आ रही है और दूसरी वेव इसके ऊपर 180 डिग्री आउट ऑफ फेस ऊपर इम्पोज हो रही है, ठीक है। तो दोनों वेव्स कह रही है कि जो एनर्जी है ना वो ट्रैवलिंग नहीं है, मतलब ट्रैवलिंग वेव कितनी हो गई, ये जो बीच में दिखाई जा रही है ये उसका सम है, सम मतलब है ट्रैवलिंग वेव। ये जो सम है ना उसका, वो कितना हो रहा है? सम, सम इज बिकमिंग जीरो, इसका मतलब कोई ट्रैवलिंग वेव नहीं है। सीधी लाइन खींच गई ना यहाँ, सीधी लाइन का मतलब क्या हुआ? देयर इज नो ट्रैवलिंग वेव। जब ट्रैवलिंग वेव नहीं होगी तो एनर्जी कहीं जाएगी, इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन की जो वेव है इट विल नॉट कैरी एनी एनर्जी, तो वो किसके फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा? इट विल बी क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ बैंड गैप ओके। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा बैंड गैप निकालने का ओके? आपको सिर्फ इतने पर फोकस करना है, बाकी सब छोड़ दो। बैंड गैप कैसे निकलेगा? कभी भी बैंड गैप कैसे निकलेगा? आई एम रिमूविंग दिस। बैंड गैप कभी भी कैसे निकलेगा? जो भी पोटेंशियल दिया हुआ है ओके वो, और क्या लेना है आपको? जो प्लस वाली वेव है उसके मोड का स्क्वायर, माइनस माइनस वाली वेव के वेव फंक्शन के मोड का स्क्वायर ले लो और यहाँ पोटेंशियल लगा दो ओके, यू विल गेट द आंसर ओके। तो हमारी लिमिट्स क्या है? हमारी लिमिट्स हैं 0 टू ए ux ओके, और साई यहां से साई प्लस दिस कितना हो रहा है? यहां से दिस इज बिकमिंग व्हाट? इट इज बिकमिंग cos, कितना हो गया? कितना हो गया था? 2 पाई x बाय ए, इन दोनों का डिफरेंस ना cos 2 थीटा बन रहा था, cos 2 पाई x बाय ए, इसको यहां रख दो ठीक है। 2 बाय ए को बाहर ले लो, लीव टेक 2 बाय ए आउटसाइड दिस, कितना हो गया है? cos 2 पाई x बाय ए बाय ए ux का वैल्यू रखो, इंटीग्रेट करो, ux का वैल्यू रखा, u नॉट cos दिस, ये 2 हट गया यहां से ओके तो u नॉट आ जाएगा ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा? ये वाला 2 इसके साथ ले लो चाहे तो, अब ये वाला 2 जो है बाहर वाला 2 अगर आप इसके साथ लो, अंदर चला जाएगा, अंदर चला जाएगा तो क्या बनेगा ओके? ये बन जाएगा ओके। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? पहला ये 0 क्यों है? क्योंकि साइन बनेगा ना फंक्शन ओके, तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा? यू नॉट। और एक काम और कर सकते थे हाँ, आप अगर आप नॉर्मलाइज नहीं करना चाहते ना, इफ यू डोंट वांट टू नॉर्मलाइज, तो आप ये तरीका भी अपना सकते हैं। अगर आप वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज नहीं करना चाहते तो आप ये निकालते हैं ना एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो आप बिना नॉर्मलाइज वेव फंक्शन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू न्यूमरेटर में निकालोगे 0 टू ए यू एक्स अननॉर्मलाइज वेक्टर साई प्लस मोड का स्क्वायर माइनस साई माइनस मोड का स्क्वायर डी एक्स, और नीचे किसका करोगे? बिना पोटेंशियल के उसकी ये वैल्यू निकाल दोगे, साई प्लस माइनस साई माइनस माइनस के मोड का स्क्वायर, अगर आप नॉर्मलाइज नहीं करना चाहते तो की बात कर रहा हूँ। तो इससे हो जाता, अगर हम अननॉर्मलाइज लेते ना फंक्शन उधर, ये वाला जो ले रहे थे शुरू में, अननॉर्मलाइज लेंगे तो उस वाले फार्मूले से हो जाएगा। आपको क्या करना होगा? ऊपर तो यूएक्स वाले वेव का लेना होगा और नीचे
मतलब यूएक्स नहीं लगाना तब करना होगा, तो आंसर आ जाएगा सही। ओके, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, तो यू शुड टेक नॉर्मलाइज वेव फंक्शन। ओके, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन किस जैसा होगा? नॉर्मलाइज वेव फंक्शन जैसे सिमेट्रिक पार्टिकुलर बॉक्स की प्रॉब्लम होती है ना। सिमेट्रिक क्यों है ये? क्योंकि इसमें क्या है, बीच में क्या बन रहा है, x इक्वल टू जीरो बीच में आएगा। तो ऐसे में दो तरह के वेव फंक्शन आते हैं, अंडर रूट 2 बाय दिस, तो वैसा ही है वेव फंक्शन। ओके, तो ये बैंड गैप होगा यहाँ पर। ओके, तो बैंड गैप ऐसे निकल जाएगा, तो उसके लिए वेव फंक्शन को आपको याद करना जरूरी है। कैसे पता लगा हमें वेव फंक्शन यही लेना था? देखो, कंसिडर वन डायमेंशनल लैटिस विद वीक लैटिस पोटेंशियल, ये तो लैटिस पोटेंशियल की वैल्यू है। ब्रिलियंट जोन बाउंड्री क्या दिया हुआ है? के पाई बाई ए। के पाई बाई ए कब आता है? जब डायरेक्ट लैटिस का वो कितना हो, ए क्या होगा यहाँ पर, ए विल बी लैटिस कॉन्स्टेंट किसका, डायरेक्ट लैटिस का, है ना। ओके, ये है, तो ये बैंड गैप अराइज होगा। ओके, तो इस तरह का पहली बार क्वेश्चन आया था। ओके, आगे कभी आता है तो आप इस तरह कर सकते। सर, इसमें सिमेट्रिक वेव फंक्शन क्यों लिया है, कहां पर ये कैसे पता लगा? मतलब दोनों लिया हमने, तो सिमेट्रिक एसिमेट्रिक दोनों का डिफरेंस लिया है। दोनों का डिफरेंस नहीं लिया, साई प्लस का भी लिया है और साई माइनस का, दोनों की वेव की एनर्जी का डिफरेंस लिया है। यस सर। सर, ये भी कह सकते हैं ना कि जो पोटेंशियल है वो सिमेट्रिक है। पोटेंशियल सिमेट्रिक है, यस, कॉस फंक्शन में है, पोटेंशियल सिमेट्रिक है। ओके, बट द थिंग इज लैटिस पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है। ओके, लैटिस पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है, हमें अगर ये समझिए बात को, क्वेश्चंस में क्या बदलेगा आप मुझे बताओ? अगर डिफरेंट तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये लैटिस पोटेंशियल बदल सकता है? ओके, ये तो यही रहेंगे ना वेव फंक्शंस, वेव फंक्शंस नहीं बदलेंगे। इस ब्रिलियन जोन में जो वेव फंक्शंस होंगे वो फिक्स होंगे या वेरिएबल होंगे? वो फिक्स होंगे। ओके, क्या बदलेगा? अगर क्वेश्चन डिफरेंट आता है तो लैटिस पोटेंशियल बदल सकता है ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर। ओके, ये करना है हमें। सर, एक डाउट था सर। हाँ, बताओ बताओ। सर, प्रीवियस क्वेश्चन में सर, सर आपने जो वेव फंक्शन लिया है सर, वो तो मान के चल रहे ना सर कि मतलब पोटेंशियल v इक्वल टू 0 मान के सर वेव फंक्शन आता है ना सर, अंडर रूट 2 बाय sin, ये तो पार्टिकल इन अ बॉक्स का वेव फंक्शन है सर। नहीं, ये सुनिए बात, फंक्शन क्यों नहीं इंक्लूड किया सर? क्या ब्लॉक फंक्शन भी तो इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि सर लैटिस पोटेंशियल है। हां हां, तो ब्लॉक फंक्शन इसमें, तो ब्लॉक फंक्शन तो ये अराइज करता है ना, ब्लॉक फंक्शन तो ये हमने लैटिस के ऊपर इंटीग्रेट किया है ना। हमने क्या लिया है पहले? हमने लिया है पहले, आप ऐसे समझिए जैसे इसको मैं नहीं लगा रहा हूं, इसको मैं अगर नहीं लगा रहा हूं, पार्टिकल इन अ बॉक्स है, ठीक है सर, यस, है ना। अब मैंने ये लगाया उसके साथ, तो इसने ही तो दिया ना वो। ओके सर, यस, यही ब्लॉक फंक्शन हो जाएगा। ओके, हां, इसने दिया। ओके, अगर सोचिए, समझिए जरा, अगर मैं मान लिया इसको हटा दूं इसमें से, ओके, इसको मैं बाहर निकाल देता हूं, मैं कहता हूं कि इसका वैल्यू कुछ कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कुछ कांस्टेंट है, ये एक्स का फंक्शन है नहीं। ओके, यस सर, तब आंसर बताइए कितना आएगा, टेल मी, वो जीरो आना चाहिए या नहीं? यस सर, जीरो आ जाएगा। आज जीरो आ जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? तब क्या दोनों वेव की एनर्जी में कोई डिफरेंस होगा? नो सर, नहीं होगा। नो डिफरेंस। वुड देयर बी एनी बैंड गैप? नो, देयर विल बी नो बैंड गैप। ओके, समझ रहे ना? ये इसी की वजह से, इसी ने तो किया ना सारा काम, इसी ने वहां पर बैंड गैप का वैल्यू दिया। आप इसको बदलेंगे तो बैंड गैप बदलेगा, उतना ही रहेगा सर, चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर क्वेश्चन दोबारा आएगा कभी ये, तो ये बदल कर आएगा। ओके, वेव फंक्शंस नहीं बदलेंगे, वेव फंक्शन विल रिमेन सेम। ओके, और सर ऐसे भी यहाँ पे जो हम लोग वेव फंक्शन लिए हैं cos pi x और sin वाला, अगर उसको नॉर्मलाइज भी करेंगे ना, जैसे करते हैं 0 टू a इंटीग्रेट करके प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1, तो भी वैल्यू रूट 2 अपन a ही आ रहा है, आती है, वही आती है, इसीलिए मैंने उसको सीधे लिखा है। ओके, तो ये एक तरीके से ना एम्प्टी लैटिस अप्रोक्सीमेशन था। ये वाले वेव फंक्शंस कब लिए गए हैं? एम्प्टी लैटिस में, या जब लैटिस है, एम्प्टी लैटिस में। ओके, ठीक है, पार्टिकल इन बॉक्स मतलब एम्प्टी लैटिस हो गया ना, जीरो पोटेंशियल। सर, बट किटेल में शायद इसके वेव फंक्शंस रूट 2 cos pi x / a और बस रूट 2 ही लेकर सॉल्व कर रखा था इन वेव फंक्शंस। देखो, a तो लेना पड़ेगा ना, ठीक है, a तो लेना पड़ेगा। हां,
हाँ तो उन्होंने क्या माना होगा, उन्होंने ए को वन ले लिया होगा, जीरो टू वन पर यूनिट मान लिया होगा, यूनिट मान लिया होगा ना, ठीक है। तो बस मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेशन लिया होगा वहां पर, ओके, ए को वन माना होगा, तो उन्होंने इंटीग्रल की लिमिट, अगर इंटीग्रल की लिमिट आप जीरो से ए ले रहे हो और यहाँ ए नहीं ले रहे हो, तब तो यू नॉट ए आ जाएगा ना आंसर, नहीं आई मेरी? यस सर, यस सर, यस सर। तो ऐसे करना पड़ेगा, नॉर्मलाइज ही लेना, वो यूनिट यूनिट लेकर कराऊंगा उसमें। तो लिखा हुआ एनर्जी गैप एंड लैटिस कांस्टेंट फॉर इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर आर दीस। इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है, एनर्जी गैप कितना है, इतना है, ओके, 0.52 नैनोमीटर। ये क्या क्या दे रखा है, अच्छा लैटिस कांस्टेंट ए दे रखा है कितना, 0.52 यानी के 5.2 एंगस्ट्रॉम, ओके, एंड एनर्जी गैप ईजी कितना है, 1.875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। फॉर सिंपलिसिटी टेक द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल टू बी यूनिटी, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि के वन, व्हेन एक्साइटेड बाय ब्रॉड बैंड रेडिएशन इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट इनिशियली इन वैलेंस बैंड के जीरो, ये है वाला क्वेश्चन है, ऐसे है ये वैलेंस बैंड के टॉप पर है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, और वो कहाँ जाता है, के जीरो पर है वैलेंस बैंड में, ओके, के वी कह देता हूँ उसको, के वी जीरो, ओके, और ये वी भी है, मेक्स अ ट्रांजिशन टू कंडक्शन बैंड, वेव वेक्टर के मैक्स, यहाँ पर क्या होगा, कंडक्शन बैंड इसके सामने होगा या नहीं, कंडक्शन बैंड का जो बॉटम होगा ये, ओके, वो कहाँ होगा, डिफरेंट के वैल्यू पर होगा, इधर के है, ई के डायग्राम है, ये क्या है के सी, के वी जीरो है, ओके। तो पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ वेव वेक्टर के मैक्स एट द एज ऑफ बर्लिन जोन आफ्टर ट्रांजिशन इज क्लोजेस्ट टू के मैक्स, ओके, यानी कि के मैक्स किसके बराबर होगा, K max would be equals to KC minus KV, ये होगा या नहीं, KC, ठीक है, K max, KC minus KV, ठीक है, ये होगा, नहीं ये क्या कह रहा है, वेव वेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अच्छा वो निकालना है, ये निकालना है हमें, ये निकालना है किसकी टर्म्स में निकालना है, K max, what is K max, K max is इन टर्म्स ऑफ वेव वेक्टर के मैक्स एट द जोन ऑफ बर्लिन जोन, ओके। तो अगर मैं इसको सिंपल क्यूबिक मानता हूं, इफ आई अज्यूम इफ सॉलिड इज अज्यूम टू बी सिंपल क्यूबिक, ओके, तो बता सकते के मैक्स कितना होगा, सिंपल क्यूबिक का ये कितना होता है, अगर मैं सिंपल क्यूबिक मानता हूं, वैसे बताया नहीं क्वेश्चन में, वैसे आप देख रहे हैं क्वेश्चंस में जो ऑर्डर है वो बहुत दूर दूर है या नहीं, या बहुत बहुत पास पास है, ऑर्डरिंग जो है के की वो है, देखो एक के मैक्स बाय 10, एक है 100, एक है 1000, एक जीरो है, तो बहुत वाइड आंसर, ठीक है, काफी डिफरेंस है। तो क्यूबिक अगर है तो क्यूबिक में हम कैसे बनाएंगे फर्स्ट बर्लिन जोन, उसमें मैक्स वैल्यू कितना होगा, इसको मैं ले लेता हूं के एक्स, इसको मैं ले लेता हूं के वाई, इसको मैं ले लेता हूं के जेड, इट इज फर्स्ट बर्लिन जोन ऑफ सिंपल क्यूबिक, के मैक्स कितना होगा इस बर्लिन जोन में, ये जिसको वो कह रहा है करने के लिए, के मैक्स, मैक्स कहां तक जा सकता है, यहां तक, कितना लेंथ होगा के मैक्स यहां से यहां तक का लेंथ, पाई बाय ए, कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या भाई, कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, पाई बाय टू ए, पाई बाय ए, पाई बाय ए, पाई बाय ए, पाई बाय टू ए कैसा हो जाएगा भाई, किसी कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, किसी कॉर्नर के कोऑर्डिनेट, के मैक्स कितना होगा इसमें, सिंपल क्यूबिक सेंटर पे है, किसी कॉर्नर पे थोड़ी है,
कौन सेंटर सेंटर मतलब इसका क्यूब के सेंटर पे है ना, तो ये डिस्टेंस तो a by 2 ही होगी ना। a by 2 कैसे हो जाएगी कॉर्नर तक की डिस्टेंस भाई? अंडर रूट 3 पाई बाय हो जाएगा, अंडर रूट 3 पाई बाय a आएगा। यस भाई ब्रिलियन जोन में मैक्सिमम डिस्टेंस सेंटर से क्या हो सकती है कॉर्नर की? अगर ए साइड का क्यूब है मेरे पास, मतलब ये कितने साइड का क्यूब है, ये कितने साइड का क्यूब है? 2 पाई बाय ए साइड का क्यूब है। तो किसी कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स पता है सिंपल क्यूबिक में? नहीं, ये तो बताया था मैंने आपको, ये तो याद ही करना है। पाई बाय ये होगा, तो कितना होगा लेंथ यहां से? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0 0 0 तो रूट 3 आएगी लेंथ नहीं। ओके, अगर BCC होता तो क्या होता है? तो क्या होता आंसर? 0 0 2 पाई बाय ये, 0 0 2 पाई बाय ये। तो BCC में कितना होता है आंसर अगर मैं BCC सॉलिड मानूं इसको? तो BCC में K max कितना होता? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो, think about it। 2 पाई बाय ये, 2 पाई बाय ये होता। FCC में कितना होता? ठीक है, आप देखो कितना ऑर्डर चेंज है। ये कितना है? रूट थ्री। ये कितना है? टू। ये कितना है? टू। तो लगभग कितना है, मतलब 1. रूट थ्री कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 1.73। ओके, तो लगभग यही है नहीं KMAX, चाहे मैं सिंपल क्यूबिक ले लू, चाहे मैं BCC ले लू, चाहे मैं FCC, इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 ना, अप्रोक्सीमेटली। क्लियर है बात? नहीं, इतना क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा। ठीक है, KMAX का वैल्यू लगभग इतना ही आ रहा है चाहे मैं कोई सा भी सॉलिड लेकर काम कर लू। ओके, ये हो गया, KMAX का वैल्यू मुझे पता लग गया। ओके, अब मेरा क्वेश्चन है मेरा डेल्टा के क्या है, ये मुझे निकालना है, दैट आई नीड टू फाइंड आउट। कि भाई जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में तो डेल्टा के कितना होगा, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 2 को आप चाहे तो ये वाली इक्वेशन यूज कर लो, चाहे आप ये इक्वेशन यूज कर लो, चाहे आप ये इक्वेशन यूज कर लो, उससे मतलब नहीं। ओके, समझ गए? नहीं, तो ये डेल्टा के हमें फाइंड आउट करना है, किसकी टर्म्स में फाइंड आउट करना है? के मैक्स। तो कैन आई फाइंड दिस डेल्टा के बाय के मैक्स? डेल्टा के तो वेव वेक्टर निकालना है आपको। के मैक्स आपको पता लग गया क्या मानते हुए, कि वो BCC है, FCC है या सिंपल क्यूबिक है? तीनों में लगभग सेम है, लगभग सेम है। ओके, क्योंकि ऑर्डरिंग देख रहे हो ना आप, ये क्योंकि नेट में आया हुआ क्वेश्चन है और उस टाइम कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं होता था, तो इसलिए ऑर्डरिंग बहुत मतलब वाइड दी है एग्जामिनर। इतना हो गया। अब आप डेल्टा के कैसे निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे बताइए? चेंज इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, चेंज इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, चेंज इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? डेल्टा पी। चेंज इन मोमेंटम ऑफ डेल्टा पी क्या होता है? डेल्टा एनर्जी बाय सी होगा या नहीं, बोलिए। यस सर। ठीक है, अच्छा डेल्टा ई का मतलब क्या है? डेल्टा ई का मतलब कितनी एनर्जी चेंज हो रही है उसकी। डेल्टा पी को मैं लिख सकता हूं एच क्रॉस डेल्टा के लिख सकता हूं क्या, क्योंकि एच क्रॉस के इज मोमेंटम। सर हम रिलेटिविस्टिक मान के चल रहे हैं। नहीं सी भाई, वो मोमेंटम कौन देगा? इलेक्ट्रॉन के अपने आप चला जाएगा वहां, फोटोन देगा, फोटोन देगा, इसलिए मैं फोटोन वाला फार्मूला लगा रहा हूँ ना। ये फार्मूला किसका वाला है बोलो? फोटोन के लिए। फोटोन के लिए नहीं, तो फोटोन देगा ना उसको। ओके, ठीक है। तो ये डेल्टा ई किसके, कितनी एनर्जी चेंज होगी उसकी यहां से वहां जाने में? भाई यहां से वहां में इसकी एनर्जी कितनी होगी? ई सी। और इसकी एनर्जी कितनी होगी? ई वी। तो कितना डेल्टा ई हुआ? डेल्टा ई हुआ EC माइनस EV बाय C, मतलब EG हो गया ना ये। ओके, तो कितना हो गया डेल्टा के, चेंज इन मोमेंटम, बैंड गैप डिवाइडेड बाय H क्रॉस C। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 5। ओके, तो प्राइमरी टास्क हमारा यही निकालना है। देखो, तो डेल्टा के
बोलते हो ना कि इसकी एनर्जी, मतलब जब आप पॉइंट आउट करते हो चीज को, तो ये कर्सर जो है वो इतना छोटा होता है कि पता नहीं चलता सर, मतलब पॉइंटर सर। यस सर, यस सर, आप कोई इम्पोर्टेंट चीज स्पेसिफाई करते हो ना तो ये पता ही नहीं लगता कि आप वहाँ पे पॉइंट आउट करके कर रहे हो सर। मतलब हाइलाइटर यूज करके करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेजर पॉइंटर ही है ना सर। लेजर पॉइंटर को क्लिक कर लिया करो, लेजर पॉइंटर को सर उसमें आ जाते। ठीक है, तो डेल्टा के कितना होगा? डेल्टा के, डेल्टा के होगा eg by h cross c। eg कितना है? What is eg here? eg है 1.875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यस सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए मैं क्या करूंगा, 1.6 × 10⁻¹⁹ डिवाइडेड बाय h cross का वैल्यू आप जानते हैं −34। C का वैल्यू आप जानते हैं इतना। ओके, अब एक काम करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये तो डेल्टा K हुआ, K max कितना है? K max का वैल्यू भी तो फिल इन करना पड़ेगा ना यहाँ पे। K max कितना ले लूं लगभग, मैं कौन सा वाला लूं बताओ, किसी से भी ले लो, किस काम चल जाएगा हमारा। 2π by a ले लो, आसानी रहेगी है ना। 3.14 ओके, 2π का वैल्यू हो गया। a का वैल्यू क्या है? a ऊपर जाएगा। वेयर इज a? 5.2 एंगस्ट्रॉम का मतलब हुआ 5.2 × 10⁻¹⁹ ओके। अब इसका वैल्यू निकाल लो आप, लगभग कितना आएगा। पावर देखते हैं पहले। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वी नीड टू चेक पावर्स। पावर है नीचे 34 8, कितने बच गए? माइनस का 26, माइनस 26 ऊपर गए, माइनस 26 ऊपर है माइनस का 29, तो बन रहा है 10⁻¹³ एक्स्ट्रा है ना। पावर हट गया ना सब। अब एक काम करो, देख लो जरा कितना कितना बनता है। ऊपर है 5 पॉइंट, ठीक है, ये लगभग कितने टाइम्स कैंसिल होगा इससे, 1.6 से अप्रोक्सीमेटली 0.788 आ रहा है। दो, ओके, दो, और ऊपर है 10 के आसपास बन रहा है ऊपर, ओके, और नीचे कितना है, 4, 12 के आसपास, ओके, ऊपर लगभग 10 है और नीचे लगभग 12 है, देख लो जरा कितना बन रहा है, कितना, 0.788, ओके, 788, ओके, ओके अब इस मल्टीप्लायर को छोड़ दो, आपको आंसर मिल चुका है, ओके, क्योंकि आप देखो ना, इसको आप के मैक्स बाय 10 रखोगे, के मैक्स बाय 100 या के मैक्स बाय 1000 या 0, बोलो K max by 1000। तो ये हो गया लगभग, ये कितना है लगभग, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1/1000 अप्रोक्सीमेटली। तो डेल्टा के कितना है, कितना चेंज करना होगा उसको, के मैक्स बाय 1000, ये आंसर आ गया हमारा। अच्छी, तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं Kmax को, Kmax मैंने बता दिया आपको, दिस वुड बी आंसर। ओके, तो काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ओके, क्योंकि जब कैलकुलेटर नहीं है तब उसके हिसाब से काफी कैलकुलेटिव है। मेन ट्रिक तो Kmax नहीं था। हाँ, ओके, आगे बताओ कौन सा है। 89 is quite simple. तो सारे questions ना एक level के नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखिए। कई बार 5 number का question 3.5 marks के question से ज़्यादा easy होता है, okay? ये देखिए, ये E है, K का relation दे रखा है, omega is cyclotron resonance frequency, इसका formula जानते हैं आप? Cyclotron resonance frequency, omega C किसके बराबर है? E by M star. तो आपको निकालना क्या है यहाँ पर, अल्फा का वैल्यू। तो पहले आप क्या करो, M star निकालो। What is M star? M star is H cross divided by double derivative of energy with respect to K. कितना हो जाएगा? H cross square divided by कितना? 2 alpha.
देखना जरा ठीक है, इसको रख दो इसमें इक्वेशन वन, पुट दिस वैल्यू इनटू इट, तो इट विल गिव यू ई बी बाय एच क्रॉस स्क्वायर बाय टू अल्फा, डी ऑप्शन। ओके तो अल्फा विल बी व्हाट, ठीक है अल्फा कितना आएगा, अल्फा टू अल्फा यहाँ चला जाएगा, टू अल्फा स्क्वायर आएगा टू अल्फा एच क्रॉस स्क्वायर ओमेगा सी, एच क्रॉस स्क्वायर ओमेगा सी डिवाइडेड बाय टू ई बी, ये आएगा ऑप्शन डी हो, ऑप्शन डी हो, इट वाज वेरी सिंपल। ओके तो विच टेक्निक इज यूज्ड टू फाइंड द इफेक्टिव मास, आंसर होगा साइक्लोटॉन रेजोनेंस। 90 हो गया क्या? नो सर, नहीं बात है सर, ये भी बहुत सिंपल है। तो आप समझ लीजिए कि दो क्वेश्चन असाइनमेंट थ्री में से, मतलब में से नहीं कह सकता मैं, एस जैसे आएंगे। ओके इस जैसे आ सकते हैं, दो क्वेश्चन कम से कम गेट में। तो यहां पर लिखा हुआ है एनर्जी वेव वेक्टर डिस्पर्सन रिलेशन फॉर पार्टिकल इन टू डायमेंशंस, डायमेंशंस हो गए दो, वन प्रपोज सेवन आंसर एस का, तो एस का वैल्यू हो गया वन, वन आएगा आंसर सर, यस सर वन आएगा। योर स्टेट्स प्रोपोर्शनल टू ई पावर डी बाय एस माइनस वन कितना हो गया, वन है ना, तो व्हाट इज द पी वैल्यू, वन। बहुत बार पूछा जा चुका है, कौन सा सॉलिड है, टू डायमेंशनल सॉलिड का नाम क्या है इसका, ग्राफाइट, ग्राफीन होगा सर, ग्राफीन, ग्राफीन। 92 91 हो गया, यस सर, यस सर हो गया। पोटेंशियल इन अ डायवेलेंट सॉलिड, डायवेलेंट इट मींस इट्स वैलेंसी इज टू, वैलेंसी इज टू एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय वन डायमेंशनल पीरियोडिक मॉडल। ओके वैलेंसी दो है और हमें ये नहीं बता रखा कि नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव सेल कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव सेल कितने हैं ये नहीं पता, नहीं पता है फिर भी टू है ना, इंसुलेटर ही होगा सर, इंसुलेटर होगा, ये नहीं पता। ओके बट फिर भी ये इवन है, ओड है वैलेंसी, अगर हमारे पास इवन नंबर हो तो मल्टीप्लाई करने पर सारा नंबर इवन बनेगा, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, यस आई राइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द बैंड, इन द बैंड या इन द प्रिमिटिव सेल, इन द प्रिमिटिव सेल वुड बी इवन इंटीजर या ओड इंटीजर, इवन इंटीजर, इवन इंटीजर मतलब बैंड क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड, यस सर, बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड, जब कंप्लीटली फिल्ड हो तब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, वेदर बैंड्स आर ओवरलैप्ड और नॉट, ये नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो शुड पूछा है, शुड, शुड तो आंसर आएगा इंसुलेटर, इंसुलेटर, ठीक है, और अगर कहता बैंड्स आर ओवरलैप्ड तो आंसर क्या होता, सेमीकंडक्टर, सेमी कंडक्टर, 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 कंडक्टर होता, कंडक्टर। ओके जैसे 94 पहले कर लेते हैं, 93 इसमें क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा सर, सर इवन, ठीक है तो दो मोनोवेलेंट एटम है, वैलेंसी तो मोनो है,
मोनो, मोनो मतलब वन, वैलेंसी इज वन, ईच सेल कंटेन टू, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स प्रिमिटिव सेल में कितने हैं? टू, दो. नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव सेल टू, तो कितने हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर प्रिमिटिव सेल, पर प्रिमिटिव सेल वे टू इंटू वन इंटू इज इक्वल्स टू टू. इवन है ओड है? इवन. इवन क्या होगा? कंप्लीटली फिल्ड बैंड होगा. कंप्लीटली फिल्ड. इन वन डायमेंशन क्रोनिग पेनी मॉडल टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेव फंक्शंस इक्वल टू कितने होते हैं? कितने पॉसिबल वेव फंक्शंस हैं? नंबर ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल्स. क्या होना चाहिए था यहाँ पर वर्ड? नंबर ऑफ क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होना चाहिए. जितनी किसी भी सॉलिड के अंदर प्रिमिटिव सेल्स होती है ना, ठीक है, उतने ही इंडिपेंडेंट के वैल्यूज, पॉसिबल वेव फंक्शंस का मतलब है कितनी इंडिपेंडेंट के वैल्यूज वो देगा. इंडिपेंडेंट के वैल्यूज, कितनी इंडिपेंडेंट के वैल्यूज अलाउड है किसी बैंड के अंदर, ठीक है, टोटल इंडिपेंडेंट के वैल्यूज वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रिमिटिव सेल्स. ओके, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है कोई बैंड? नंबर ऑफ डबल होगा नंबर, टू एन होगा या एन होगा? बात समझ लो मेरी, मैं क्या कह रहा हूं? टू एन सर. टू एन क्यों? क्योंकि वो है ना, क्या है डीजनरेसी, क्या है एक स्टेट पर कितनी वैल्यू आ सकती है उसकी? टू. दो. दो आ सकती है. तो इसको एक बार और बता दीजिए. यहां पर पूछ रहा है कितने वेव फंक्शंस होंगे. वेव फंक्शंस का मतलब है कितने डिस्टिंक्ट के वैल्यूज आएंगे. तो कितने के वैल्यूज आते हैं, ठीक है, जितने सॉलिड में प्रिमिटिव सेल्स होते हैं उतने ही इंडिपेंडेंट, या आप ऐसे समझ सकते हो प्रिमिटिव सेल का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स हुए ना. यस सर. तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स के बराबर इंडिपेंडेंट के वैल्यूज आती है. ओके ओके. तो अब क्या है, अगर मान लिया मोनो एटोमिक है क्रिस्टल, कैसा है? मोनो एटॉमिक है. मोनो एटॉमिक. तो मोनो एटॉमिक हुआ मतलब कितने एटम हुए पर लैटिस पॉइंट? वन. ओके वन. ठीक है, तो अब वो बैंड जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है. हम ये दिखा रहे थे ना, ऐसे दिखा रहे थे, हम ऐसे शो कर रहे थे. एक लेवल पर कितने इलेक्ट्रॉन्स शो किए जा रहे थे? दो ना. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डबल होंगे या उतने ही होंगे इसी बैंड में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रिमिटिव सेल्स के बराबर होंगे या दुगने होंगे? डबल. दुगने होंगे सर. के से दुगने होंगे, जितने के आएंगे उससे दुगने होंगे. 96 में पहले ले रहा हूं. थैंक यू सर. 96 में पहले ले रहा हूं क्योंकि ये इसी से लिंक क्वेश्चन है. ये बताइए, कंसीडर वन डायमेंशनल नॉन मैग्नेटिक क्रिस्टल विद वन एटम पर यूनिट, वन एटम पर यूनिट सेल. पर यूनिट सेल का मतलब है पर प्रिमिटिव यूनिट सेल. अगर गलती से एग्जामिनर ने यूनिट भी लिख दिया है तो आप उसको प्रिमिटिव ही मानेंगे. ओके तो वन एटम पर प्रिमिटिव सेल है. अज्यूम दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट इंटरैक्ट विद ईच अदर, इंटरैक्ट वीकली विद द आयंस. ओके एंड इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ओके यानी कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एन है, तो वो क्या होगा बताइए सर? डी ऑप्शन आएगा सर. क्रिस्टल इज मेटलिक फॉर इवन वैल्यूज ऑफ एन. क्रिस्टल मेटल होगा इवन वैल्यूज ऑफ एन के लिए? इवन अगर होगा, नो सर. इवन होगा तो वो मेटल भी बन सकता है
इंसुलेटर भी बन सकता है. तो इट इज नॉट नेसेसरी, ऑप्शन ए इज नॉट नेसेसरी. ओके, क्रिस्टल इज मेटेलिक फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन, गलत है. क्रिस्टल इज नॉन मेटेलिक फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन, ये गलत है. क्रिस्टल इज मेटेलिक फॉर ओड वैल्यूज ऑफ एन. अगर वैलेंसी क्या होगी, ओड होगी ना, और प्रिमिटिव सेल में कितने एटम है, तो नंबर ऑफ एटम्स पर प्रिमिटिव सेल वन. ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स पर प्रिमिटिव सेल कितने होंगे, वन इंटू एन, है कि नहीं. तो एन अगर क्या है, ओड है, तभी तो ये ओड आएगा. ये ओड कब आएगा, ये वाला वैल्यू ओड कब आएगा, जब एन ओड होगा. और इवन कब आएगा, जब एन क्या होगा, इवन होगा. बोलो, मेटल बनने के लिए आपको ओड चाहिए, इवन चाहिए, ओड. ओके, बन इवन से भी सकता है बट गारंटी नहीं है. तो ये वाला जो कह रहा है ऑप्शन सी, जिसमें कह रहा है नॉन मेटलिक, तो नॉन मेटलिक कब बन सकता है वो बताओ, नॉन मेटलिक कब बन सकता है, ओड या इवन? इवन. इवन. ठीक है. 95. सर, एक्सक्यूज मी. हाँ जी, हाँ जी. अगर हम इस क्वेश्चन को सर वो वाले मेथड से भी कर सकते हैं सर, जो आपने बताया सर, वी ब्रिलियन, मतलब इसमें तो लेंथ होगा, लेंथ ब्रिलियन जोन डिवाइड बाय लेंथ ऑफ फर्मी सरफेस. नहीं, देखो बात सुनिए, उससे करने के लिए आपको डेटा चाहिए ना, कि सॉलिड कौन सा सॉलिड है. कर तो सकते हो ना, पर कम से कम ये तो पता हो ना कि सॉलिड कौन सा है, बीसीसी है, एफसीसी है, कौन सा है ना. ओके सर, वो मेथड तभी तो लगा सकते हो ना, क्योंकि उसमें किसका किसका ओड चाहिए होता है, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिपेंडेंट होता है ना, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ फर्मी सरफेस, तो वॉल्यूम ऑफ फर्मी सरफेस तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. दूसरा जो डेटा होता है ना, कौन सा वाला, ब्रिलियन जोन, ब्रिलियन जोन, उसका लेंथ या उसका एरिया या उसका वॉल्यूम किस पर डिपेंडेंट होता है, यूनिट सेल कौन सा, मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिपेंडेंट होता है ना वो. मैं इसको अगले पेज पर ले रहा हूँ. तो वो डेटा तभी लग सकता है जब आपको ये पता हो कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर कौन सा है. ये दिया हुआ है, ए पार्टिकल ऑफ मास एम मूव्स इन लैटिस अलोंग एक्स एक्सिस इन पीरियोडिक पोटेंशियल दिस विद पीरियोडिसिटी डी. ओके, ब्रिलियन जोन एक्सटेंड्स फ्रॉम माइनस के नॉट टू प्लस के नॉट विद टू के पॉइंट्स बीइंग इक्विवेलेंट. ये जो वर्ड है ना, दैट इज इंपोर्टेंट. दोनों के पॉइंट्स क्या है, इक्विवेलेंट. ओके, यानी कि आपको किस किस के बीच में डिफरेंस नहीं करना है, यू नीड नॉट टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्लस के एंड माइनस के, दे आर इक्विवेलेंट. इफ अ वीक फोर्स एफ इन एक्स डायरेक्शन इज अप्लाइड टू द पार्टिकल, इट स्टार्ट्स पीरियोडिक मोशन विद पीरियड टी यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, क्या होगा टी पीरियड, क्या होगा देखो जरा. ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, देखा होगा आपने कहीं असाइनमेंट में था इस तरह का. जब भी कोई आप जैसे मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया आपने, तो क्या होगी इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तो इसने बता रखी है इक्वेशन ऑफ मोशन. वैसे आपको पता होना चाहिए क्या होगी इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे, तो यही होगी ना. देखो एच क्रॉस पी क्या होता है, पी क्रिस्टल का मोमेंटम, पी एच कट के. तो ये बन गया है, नहीं बताओ, डी के बाई डी टी इक्वल्स टू फोर्स, बोलिए. ठीक है ना, तो इम्प्लाय दैट एच क्रॉस, मैं एक काम करता हूं, डी के एक तरफ ले लेता हूं एंड एफ बाय एच क्रॉस डी टी एक तरफ ले लेता हूं. ये हो गई इक्वेशन. यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड देता तो आप क्या रखते यहां पर फोर्स की जगह, सपोज दे देता इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इज ई, तब आप क्या रखते, क्यू इंटू कैपिटल ई, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. और क्यू कितना होता है, किसके लिए बात कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है,
पार्टिकल तो दो ही हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन या होल. ओके, इलेक्ट्रॉन होगा तो चार्ज ई माइनस ई होगा, और अगर होल हुआ तो प्लस ई होगा. इतना ही तो होता बस. तो हमारा फोर्स क्या होता अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे देता, या तो होता माइनस ई ई या क्या होता प्लस ई ई. प्लस ई ई ये किसके लिए होता? इलेक्ट्रॉन के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देता तो. और ये किसके लिए होता? होल के लिए. ओके अच्छा, अब आपको करना है टाइम पीरियड निकालना है. टाइम पीरियड कैसे निकलता है जरा बताओ. टाइम पीरियड क्या होता है? वन बाय फ्रीक्वेंसी. ये हुआ ब्रिलियन जोन सेंटर. सेंटर ऑफ द ब्रिलियन जोन ये क्या हुआ? प्लस पाई बाय ए, यानी के नोट ए दे रखा है शायद, है ना? अब जानते हैं ना क्या होगा. वैसे दिया नहीं है उसने. आपको पता है ना कि ब्रिलियन जोन बाउंड्री कहाँ होगी? अगर डी है तो पाई बाय डी. पाई बाय डी, समझ रहे नहीं? इस तरफ क्या होगा? माइनस पाई बाय डी. माइनस का के नोट होगा, यानी कि किसके बराबर होगा? माइनस पाई बाय डी के. सर ये 2k पॉइंट बीइंग इक्विवेलेंट मतलब यही है कि वो दोनों तरफ सेम होगा, मतलब k बराबर 0. हां ठीक है. तो आपको बताना एक पीरियड t कब कंप्लीट होगा, ये बताना है आपको. टाइम पीरियड t है ना, पीरियोडिक मोशन हो रहा है, तो एक पीरियड कब कंप्लीट होगा ये आपको बताना है, क्योंकि आपको लिमिट लेनी है ना यहां पर. अब आपको लिमिट लेनी है. ठीक है, देखो मैं शुरू कर रहा हूं यहां से, पॉइंटर बना लेता हूं मैं. ओके, ये इलेक्ट्रॉन यहां है. ओके, गया यहां पर, यहां गया, चला गया. ठीक है, फिर क्या होगा? कहां अपीयर होगा ये? वेयर इट विल अपीयर टेल मी. ये यहां गया तो ये वापस ऐसे दिखाऊं इसको, या इक्वलेंट बताने का मतलब क्या है? ये लिखा हुआ है इक्वलेंट. यहां गया इलेक्ट्रॉन, यहां पहुंचा. ओके, फिर क्या होगा? जैसे ही यहां इलेक्ट्रॉन गायब होगा, यहां अपीयर होगा. ये कह रहा है दो पॉइंट्स इक्वलेंट है, उसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया. ओके, फिर कहां अपीयर होगा वो? यहां. ओके, यहां आ गया. ओके, तो पीरियड कब कंप्लीट माना जाता है? Tell me. जब एक ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट कैसे माना जाता है? बताइए. दो एक्सट्रीम पोजीशन के नीचे इक्वल टू फाइनल पोजीशन, ए जीरो से प्लस वहां से शुरू किया वहीं पहुंचेगा, तो आई थिंक वन कंप्लीट ऑसिलेशन. अच्छा अच्छा, ये बताओ, ये बताओ. अच्छा ठीक है ठीक है, ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी इसने? जीरो से पाई बाई डी गया इलेक्ट्रॉन, है ना? के के लिए यही तो गया. Yes, sir. इसमें कितना टी आया? टाइम पीरियड का कितना हिस्सा आया? कितना हिस्सा आया? देख लो, दोनों पॉइंट इक्विवेलेंट हैं. सर टू आएगा सर. सर अगर वैसे दोनों इक्विवेलेंट मांगे तो टी बाई टू, और अगर इक्विवेलेंट ना माने तो सर तब तो टी बाई फोर ही होगा. टी बाई फोर होगा. यस सर, के जीरो से पाई प्लस पाई बाई डी. ठीक है, तो मैं कह रहा हूं टी बाई टू. यस ओके, टी बाई टू. ओके, तो कितना होगा देखो जरा, पूछ क्या रहा हमसे.
टाइम पीरियड में रुक जाओ, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा अगर वो टाइम पीरियड अगर वो ऐसे ऐसे ऑसिलेशंस करता, इधर जाए एक बार इधर जाए फिर इधर जाए इधर आए, तो टी बाय फोर होता, ओके है ना? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, मैं कहता हूँ डायरेक्ट सर माइनस के नॉट से प्लस के नॉट से भी तो सर निकाल सकते हैं, डायरेक्ट अगर इंटीग्रेट कर दे माइनस के नॉट से प्लस के नॉट, तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। एक्सटेंशन ऑफ बिलियन जोन माइनस के से के है ना, तो सर वो तो पूरा पीरियड माइनस के से प्लस के का ही लेना पड़ेगा। डायरेक्ट दोनों पॉइंट्स इक्विवेलेंट कह रहा है सर। वैसे तो इक्विवेलेंट है बट सर एक्सटेंशन तो माइनस के से प्लस के बीच में है ना सर। एक्सटेंशन में तो सर रोटेशन का तो पूरा लिमिट सर माइनस पाई बाई डी से प्लस पाई बाई डी और वहां पे टी बाई टू, तो जब टी आएगा ना सर फिर तो सर पूरा टी आ जाएगा ना। किसमें टाइम पीरियड सर? अगर माइनस पाई बाई डी से प्लस पाई बाई डी ले लेंगे तो पूरा टाइम पीरियड आ गया ना सर फिर तो। हाँ एक ही तो बात हुई नहीं सर। लेट अस सपोज हमने सर माइनस के से स्टार्ट किया ट्रेवलिंग, तो माइनस के से वापस माइनस के पे आना पड़ेगा ना हमें, तभी तो एक चक्कर पूरा होगा ना। नहीं वो दोनों को इक्विवेलेंट कह रहा है ना पॉइंट्स को। अगर आप देखिए बात समझिए, आप कह रहे हैं हमारा जो लिमिट है वो ये होना चाहिए। हाँ सर ओके यस। तो अब ये टी बाई टू होना चाहिए। हाँ सर इधर तो टी बाई टू ही रहेगा। इसका कुछ मतलब हुआ फिर सर? सर आप जो किए हैं सही होगा क्योंकि मतलब ब्लॉच थ्योरम के हिसाब से जैसे आप देखेंगे तो साई एक्स इज इक्वल टू साई एक्स प्लस डी होता है और दो पॉइंट्स अगर इक्विवेलेंट हो जाए तो वो पाई बाय डी से माइनस पाई बाय डी जाएगा ही नहीं, एक तरफ पाई बाय डी में जहां गया उसी पॉइंट में वो माइनस पाई बाय डी में अपीयर हो जाना चाहिए। अपीयर होगा वही तो मैं कह रहा हूँ, इक्विवेलेंट होने का वही तो मैं मतलब बता रहा हूँ आपको। मतलब फिर तो एक तरफ में वो खत्म हो गया और एक तरफ में पैदा हो गया कुछ ऐसा। अच्छा 0 टू टी आएगा ना सर फिर तो टोटल टाइम पीरियड, टी बाय 2 थोड़ी ना आएगा सर। क्या आएगा सर? 0 टू टी आना चाहिए ना सर, टी बाय 2 नहीं हो रहा सर। आप कह रहे हो अगर पॉइंट सेम है तो फिर तो उसी जर्नी खत्म हो गई। फिर वो k इज इक्वल टू 0 पे कब आएगा? पहले वहां जाएगा वापस आएगा तभी तो पूरा टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड का मतलब क्या है? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, उसी पॉइंट पर वापस आए या क्या हो? मतलब देखो यहां से मैं लेजर पॉइंटर ले रहा हूं, यहां से यहां गया ओके, यहां पहुंच गया, यहां अपीयर हुआ, यहां आ गया। जर्नी पूरी कब हुई? जब के पर वापस आ गया या यहीं डिसअपीयर हो गया तो जर्नी पूरी हो गई? पे वापस आ गया, k इक्वल टू 0 पे वापस, ठीक है वापस आ गया ओके। तो बताइए विच ऑप्शन वुड बी करेक्ट? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। एक मिनट मैं पेन ले लेता हूं ओके। इसको क्या बनाऊं? 0 टू पाई बाय डी में 0 टू टी। 0 टू टी है ना? यस सर। यस जब लिमिट इधर लेफ्ट साइड में चेंज करेंगे तो वो ठीक हो। हां अब क्या अगर लेफ्ट साइड में सर 0 से लें तब यहां पे 0 से टी बाय 2 लिखेंगे ना? आधा आधा यस 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 यस। हां सर इसे सॉल्व करते हैं, डी ऑप्शन आ रहा है। कितना आ रहा है? लेट मी सी, ये बन रहा है 2 पाई बाय डी। यस सर पाई बाय डी इक्वल्स टू F by H cross into T. Okay. ठीक है अब H cross का value क्या होता है? Implies that 2 pi by D equals to F by H cross. H cross मतलब 2 pi नहीं sorry H over 2 pi. 2 pi मतलब यहां जाएगा into T. क्या क्या cancel हो रहा है? What is cancelling? 2 pi तो कितना आएगा टाइम पीरियड? t कितना आया? t equals to h upon fd h over fd yes ये सही आंसर है h over fd। अच्छा अगर आप दूसरा मेथड इस्तेमाल करते जो लोग सोच रहे थे कि क्या होगा, अगर आप सोचते हैं अगर आप कहते हैं कि पीरियड का पूरा हुआ, देखो इधर गया ओके इधर आया फिर यहां पहुंचा ओके तो उसको फिर तो सर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता फिर कोई भी नहीं करता
आई थिंक सी कर जाता या नहीं करता? सी करता सर। सी करता ना फिर बात समझो। तब तो आप क्या करते हैं, देखो मैं अगर मैं सिर्फ यहां से यहां जाने की बात कर रहा हूं, ओके, तो यहां से यहां जाने में हम टाइम पीरियड को अभी क्या ले रहे हैं, टी बाई टू ले रहे हैं यहां से जाने में या टी बाई फोर ले रहे हैं? टी बाई टू ले रहे हैं, ओके। या आप ऐसे कह सकते हैं मैं इस डिस्टेंस पर टी बाई टू ले रहा हूं तो इस डिस्टेंस पर भी टी बाई टू ले रहा हूं, इसलिए मैंने लिमिट ये कर दी, या इसके इक्वलेंट और क्या सही लिमिट होती जो मैं कर रहा था ना पहले, व्हाट आई वाज डूइंग, जीरो मैं कर रहा था पहले। हाँ, मैं वो इसको भी कर सकते हो आप, जीरो से पाई बाई ए करो, डी के करो, ओके, एफ बाई एच क्रॉस करो, जीरो से टी बाई टू करो एंड डी टी कर दो, ये भी सेम है, ओके। बट अगर आप इक्वलेंट नहीं लेते हैं ना उनको तो क्या होगा, तो सर रॉन्ग आंसर सी आता जो कि गलत है, ओके। तो लिख रहा है ना यहाँ पे टू के पॉइंट्स बीइंग इक्वलेंट, तो ये हमेशा होता है, आप यहाँ पर एग्जामिनर बता रहा हो या ना बता रहा हो, ओके, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये बात पता नहीं है, तो इसलिए उसने क्लियर किया है कि दोनों पॉइंट्स इक्वलेंट हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जब सेंटर ऑफ ब्रिलियंट जोन से जाएगा, यहां से जाएगा, ओके, यहां डिसअपियर होगा, यहां रीअपियर होगा, ये होने का मतलब है। सर ये प्रोसेस इंस्टेंटेनियस होगा सर, डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस? बिल्कुल इंस्टेंटेनियस होगा। तो सर ये पॉसिबल कैसे सर, मतलब फिजिकली सर? फिजिकली आप ऐसे कह सकते हो कि कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आया? सर समझ नहीं आई सर बात। कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आया उसमें नहीं होता, आप जानते हैं जैसे आपने नहीं पढ़ा उसमें यार, ये करंट फ्लो का जो प्रोसेस होता है ना ट्रांजिस्टर्स में, नहीं पढ़ा आपने? हाँ सर, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक के आगे एक बढ़ते जाते हैं। हाँ, वैसे नहीं पढ़ा आपने, जैसे क्या कहते हैं हम, जब वो पॉजिटिव टर्मिनल पर क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन डिसअपीयर होगा तो जल्दी से पीछे से क्या होगा दूसरे उस पर ना नेगेटिव करने के लिए, मतलब उसको। हाँ ठीक है, तो वैसे ही होगा ये प्रोसेस भी, ओके। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ डिसअपीयर होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम मोमेंटम विल रीअपीयर हियर, ओके, बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर आइडेंटिकल, सबके सब एक जैसे हैं, अलग हैं कुछ? एक जैसे हैं सर। एक जैसे 90 कौन सा किया था हमने, 97 थोड़ा सा मतलब एक्सपेरिमेंटल टाइप का है, ये एक्स्ट्रा ही क्वेश्चन था, मैं बात को बताऊं, बट फिर भी यू कैन टेल मी कि अगर आप कुछ डिजाइनिंग कर रहे हैं, इफ यू आर डिजाइनिंग समथिंग देन व्हाट यू रिक्वायर, मतलब ये एक तरह की आपकी वैसे ही नॉलेज टेस्ट करने के लिए, मतलब एक्सपेरिमेंटल नॉलेज टेस्ट करने के लिए आपको क्या बनाना है, देखिए तरह क्या बनाना है इस क्वेश्चन, व्हाट यू वांट टू मेक, टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर, तो सेंसर सेंसर क्या होगा, अच्छा सेंसर कब होगा, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने से वो दिखाएगा हमें, है ना। अच्छा सेंसर काम कैसे करता है, हाउ सेंसर वर्क्स, वैल्यूज चेंज होती हैं सर टेम्परेचर के साथ, किसकी, रेजिस्टिविटी की भी हो सकती है सर। हाँ, और कंडक्टिविटी की भी हो सकती है। यूजुअली जो सेंसर्स होते हैं ना वो किस पर बेस्ड होते हैं, सेंसर्स आर बेस्ड ऑन, सेंसर्स आर बेस्ड ऑन RT, मतलब वो क्या मेजर करते हैं, जितने भी सेंसर्स होते हैं ना वो रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। R क्या सर, है? प्लेटिनम से बनता है ये वाला। हाँ ठीक है, R क्या है, R इज रेजिस्टेंस, ओके। और आप ये भी जानते होंगे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कैसे लिंक होते हैं, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ये तो फिक्स है, ये फिक्स पे फिक्स है। तो टेम्परेचर के साथ क्या वेरी करता है, जो रेजिस्टेंस वेरी करता है, टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं, दे आर बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर फंक्शन, ओके ओके, ये फिक्स है। तो आर वेरी करेगा रेजिस्टिविटी के वेरी करने से, ओके। तो अच्छा सेंसर कौन होगा, जो टेम्परेचर बदलने से रेजिस्टिविटी में चेंज को दिखाए या ना दिखाए, दिखाए दिखाए, ओके, मोर सेंसिटिव। एक बात, ये वाला ग्राफ तो बिल्कुल क्या बता रहा है, देखो पूरी इस रेंज में T1 T2 के बीच में लगभग कांस्टेंट सा ही है ना ये, यस सर,
Is this a good sensor? No. Is this a good sensor? No. No. ठीक है आगे ये सेंसर क्या कह रहा है ये वाला ये कह रहा है पहले घटा एक लिमिट तक और फिर बढ़ा नो सर आपको क्या पता कि कौन सी तक बढ़ना है कौन सी तक घटना है पूरा पूरा जो वेरिएशन है वो एक ही आना चाहिए या अलग अलग आना चाहिए अलग अलग पूरा जो वेरिएशन है वो मतलब मैं ये कह रहा हूं आप जो टेम्परेचर का सेंस है मतलब ओके वो एक ही डायरेक्शन में चलना चाहिए या दोनों डायरेक्शन में चलना चाहिए ये कह रहा है कि यूनिडायरेक्शन तक घटाया इस तक फिर बढ़ना शुरू हो गया आपको क्या पता ये वैल्यू कितनी है यू डू नॉट नो तो जब आप सेंसर डिजाइन करेंगे कोई भी तो एक ही तरफ लेंगे वेरिएशन या दोनों तरफ लेंगे कि भाई इस तक बढ़े फिर घटे ऐसे हो जाए एक ही तरफ वेरिएशन होना चाहिए ओके या तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ता ही चला जाए या टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या हो जाए घटता चला जाए एक ही काम करेंगे आप ओके तो दिस विल नॉट वर्क उसका कारण क्या है एक तो चेंज बहुत ज्यादा नहीं है T1 T2 सेम और दूसरा दोनों वेरिएशंस है यहां देखो यहां क्या हो रहा है यहां भी दोनों है ना सेम है ऑलमोस्ट सेम है और ज्यादा चेंज भी नहीं है इसमें देखो चेंज अच्छा खासा है यस सर तो इसमें क्या आप मतलब ये सेंसिटिव है या नहीं सेंसिटिव होने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा ही टेम्परेचर चेंज करने पर रेजिस्टिविटी में बहुत चेंज आए तो वो सेंसिटिव होगा लेस सेंसिटिव या मोर सेंसिटिव मोर सेंसिटिव सर ओके यानी कि आप थोड़ा सा ही टेम्परेचर चेंज करेंगे मान लिया यहां से और यहां तक तो रेजिस्टिविटी में देखो कितना फॉल आ चुका है आप यहां से यहां तक चेंज करेंगे तो रेजिस्टिविटी में देखो कितना फॉल आ चुका है यहां से यहां करेंगे तो रेजिस्टिविटी में बहुत फॉल आ चुका है तो सी आंसर होगा तो ये जो क्वेश्चन था वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था ओके सर इसको वैसे भी सोच सकते हैं कि ये सेंसर जो बनाए जाते हैं ये जनरली सेमीकंडक्टर मेटल्स सेमीकंडक्टर्स के बनाए जाते हैं तो उस हिसाब से रेजिस्टिव वाला मेटल सेंसर भी होते हैं ओके वो उस बात पर मत जाइए आप ओके बट सेंसिटिविटी का मतलब क्या है सेंसिटिविटी का मतलब है ओके कि रेजिस्ट जैसे ही आप थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करें तो रेजिस्टेंस में बहुत ज्यादा चेंज आना चाहिए ये सेंसिटिविटी है और रेजिस्टेंस में कब चेंज आएगा जब रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा एक बात और उसमें लीनियरिटी भी होनी चाहिए एक बार वो फिर से एक्सप्लेन करना 97 वाला आप सेंसिटिव किसको कहते हैं कोई भी चीज सेंसिटिव का मतलब क्या है कि हम थोड़ा सा चेंज करें उस वेरिएबल में ओके तो दूसरे वेरिएबल में क्या हो बहुत ज्यादा चेंज आना चाहिए या कम चेंज आना चाहिए सेंसिटिविटी का मतलब क्या बहुत ज्यादा चेंज आना चाहिए ओके सेंसिटिव इंसान कौन होता है जल्दी भावुक हो जाता है सर थोड़ी सी उस पे वेरिएशन है ना तो मोस्ट सेंसिटिव मतलब यहाँ किसकी बात कर रहे हैं आप रेजिस्टेंस की या रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आप टेम्परेचर में चेंज करें एक्स एक्सिस में तो जो वाई एक्सिस है वो जल्दी से बदलनी चाहिए नहीं बदलनी चाहिए ओके तो क्या होगा यहां पर हो रहा है ऐसा ये तो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है ओके यहां ये थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है बी के मुकाबले बट इसमें दिक्कत क्या है इसमें ना वेरिएशन मतलब पहले क्या हो रहा है रेजिस्टिविटी घट रही है और फिर बढ़ जा रही है ओके तो जो वेरिएशन होने चाहिए वो एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए ओके तो आप देख रहे हैं ये वाला ग्राफ इसमें बहुत ज्यादा चेंज है ओके टेम्परेचर के साथ तो इट इज मोस्ट सेंसिटिव ठीक है ये है आगे चलो ई के वैल्यू दिए हुए हैं आपसे पूछ रहा है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या होती है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स बताइए फॉर्मूला 1D है ठीक है DNE over DE ये होता है क्लियर है इसको हम क्या लिखते हैं फिर DNE by DK लिखते हैं DK over DE और इसको लिखते हैं DK by DE ये वाला वैल्यू फिक्स होता है ये कितना आता है ये हम जानते हैं कितना आता है कितना था ये 2L/5 L/π ये था यस
और ये डी के बाई डी निकाल लो, डी बाई डी के निकाल लो बेसिकली, आप ये डिसाइड करेगा इसको. ओके तो कितना आएगा ये, वन का डिफरेंशिएशन जीरो आएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस ही रहेगा आई थिंक, देखना जरा. यस सर, माइनस टू सर, माइनस टू टी ए साइन के ए. और ये डिनोमिनेटर में आएगा इसके या न्यूमरेटर में, डेंसिटी ऑफ स्टेट में मुझे लग रहा है बाकी सब तो फिक्स है, कोस माइनस आएगा तो बन जाएगा है ना. तो अगर मैं पूरा लिखूं तो कितना आएगा, पूरा लिखने पर आएगा नीचे डिनोमिनेटर में आएगा टू एल ओवर कितना माइनस साइन आएगा एल ओवर एल ओवर पाई टी ए पाई टी ए साइन के, ये बन रहा है. तो आपको ऐसा फंक्शन किस किसके बीच में करना है, ये वाला फंक्शन ड्रॉ आपको करना है पाई बाय टू ए. ओके तो जब ये पाई बाय टू ए होगा तो के ए वैल्यू कितना होगा, जब ये होगा तो के ए वैल्यू किस क्या रेंज बनाएगा अपनी, पाई बाय टू से पाई, पाई बाय टू से लेकर कितना पाई तक, ये है ना. तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया ये, फर्स्ट सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में आपको क्या करना है, साइन का फंक्शन प्लॉट करना है. तो जब आप पाई बाय टू लेंगे ओके तो वो डाइवर्ज करेगा या नहीं करेगा, पहले तो आप ये चेक कर लो. नहीं करेगा सर, माइनस एल बाय पाई टी पाई बाय टू ए पे नहीं करेगा, पाई बाय टू ए पर नहीं करेगा है ना, क्योंकि साइन फंक्शन उस टाइम क्या देगा, वन वैल्यू. ओके तो इज दिस ग्राफ करेक्ट, नो सर, पाई बाय टू ए पर वो दिखा रहा है ऐसे करके, ये सही है क्या ग्राफ, नहीं सर, सर गलत है. अच्छा दूसरे पर क्या होगा, पाई बाय ए पर जाकर साइन फंक्शन जीरो होगा या नहीं, साइन पाई जीरो, इट शुड डाइवर्ज और नॉट, डाइवर्ज सर, डाइवर्ज करना चाहिए. ओके तो ये पाई बाय ए पर डाइवर्ज करना चाहिए और इस पर डाइवर्ज नहीं करना चाहिए. तो अगर मैं लेता हूं बी फंक्शन, तो बी यहां डाइवर्ज कर रहा है, यस, यहां डाइवर्ज कर रहा है, नहीं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी के ये हो है ना. फिर भी हम चेक कर लेते हैं आगे, ये क्या बता रहा है फंक्शन, यहाँ भी फाइनाइट है और यहाँ भी फाइनाइट है, नहीं होगा सर, नहीं होगा no. ये वाला फंक्शन ये दोनों पर डाइवर्ज कर रहा है, इज दिस करेक्ट, नो सर, नहीं होगा सर, नो सर. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी. आ गया समझ में, तो इट वाज वेरी इजी, मेरे 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 हिसाब से इजी क्वेश्चन है. ओके अब पता नहीं आपको कैसा लगा, ठीक है तो ये वाला पूरा हो गया, पढ़ने के बाद इजी लगा, पढ़ने से पहले तो हार्ड ही, नहीं नहीं पढ़कर ही जा रहे हैं सर, ये वाला तो इजी है पर पीछे वाले क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल, वो हमेशा इट हैपेंस ऑलवेज. ओके अभी तैयारी करनी, ओके कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट कैटेगरी के होते हैं तो उनके बारे में तो आपको बोदर करने की जरूरत भी नहीं है. ओके आपके पढ़ाने के बाद सर लेकिन डर खत्म हो गया सॉलिड का, हाँ समझ में आने लग गया, बट सर यही है कि पेपर में ऐसे आगे फिर मतलब टफ सब्जेक्ट समझ में आते थे, ये नहीं आता था सर बिल्कुल भी, सॉलिड अब आने लगा. ठीक है तो वो एग्जामिनेशन में जब आप बैठते हो तो वहां की कंडीशंस डिफरेंट होती हैं. ओके तो सर प्रैक्टिस करके जाएगा तीन चार बार तभी तो होगा. ओके ये क्वेश्चन है असाइनमेंट नंबर, ओहो पहला क्वेश्चन काफी, इसलिए व्हाट आई एम डूइंग इज असाइनमेंट नंबर 4 आपके पास है ना सबके सर, असाइनमेंट नंबर 3 का 98 और रह गया ना, कहां रह गया ये सर, ये 97 के पहले कर लिया था आई थिंक, अच्छा डेट हो गया था सर पहले, ठीक है ये देखिए असाइनमेंट नंबर 4 है, व्हाट इट इज सेइंग, रेशियो मोबिलिटी टू डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ अ सेमीकंडक्टर हैज द यूनिट. तो आपको देखिए ये याद रखना होगा, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो, या डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ होल एंड उसकी मोबिलिटी का रेशो, क्या होता है,
के बी टी बाय ई होता है, इस रिलेशन को हम कहते हैं आइंस्टाइन रिलेशन। आइंस्टाइन ने यहां भी एक रिलेशन दिया था सेमीकंडक्टर्स में, आइंस्टाइन रिलेशन फॉर सेमीकंडक्टर्स। आइंस्टाइन ने यहां भी एक रिलेशन दिया था, वो कहता है कि किसी सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन कॉफिशियंट DE क्या है, डिफ्यूजन कॉफिशियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, या उसकी एंड उसकी मोबिलिटी का जो रेशो है वो कांस्टेंट होता है किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर। इसका स्टेटमेंट ये है, डिफ्यूजन कॉफिशियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कहता है इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन कॉफिशियंट और उसकी मोबिलिटी का रेशो किसी टेम्परेचर टी, ठीक है, अगर हम उसको फिक्स कर दें तो क्या होगा, वो कांस्टेंट होता है। वैसे ही क्या है, होल का डिफ्यूजन कॉफिशियंट उसकी मोबिलिटी का रेशो भी कांस्टेंट होता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो ये कांस्टेंट ऑफ क्या हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया ना, एट टेम्परेचर टी। डीएच क्या हो गया, डिफ्यूजन कॉफिशियंट ऑफ, डिफ्यूजन कॉफिशियंट ऑफ डिफ्यूजन कॉफिशियंट होल होता होगा, ओके। ये क्या हो गया म्यू एच, मोबिलिटी ऑफ होल, ठीक है। तो अब देखिए इसका इसका यूनिट क्या है, केबीटी का इसका यूनिट है एनर्जी का यूनिट है ना, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, नहीं एनर्जी की यूनिट होती है केबीटी की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और नीचे है इलेक्ट्रॉन। तो डी बाई म्यू ई का ये क्या बना, डी ई बाई म्यू ई का यूनिट क्या बना, जी वी वोल्टेज। तो ये किसका पूछ रहा है, डिफ्यूजन कॉफिशियंट मोबिलिटी टू डिफ्यूजन कॉफिशियंट, तो वोल्ट इनवर्स या वोल्ट, वोल्ट इनवर्स होगा सर, ठीक है। तो ये वोल्ट था तो ये वोल्ट इनवर्स होगा ए, ठीक है। आइंस्टाइन रिलेशन, तो अगर टेम्परेचर दे दिया जाए आपको 300 केल्विन तो बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिफ्यूजन कोफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी का रेशियो कितना होगा केबीटी रूम टेम्परेचर पर। वैल्यू पता है ना, कितनी बताई थी, 0.025 या 0.026 ऐसे होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। 2345 बताइए बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर, 1.1 eV, ओके। प्रोबेबिलिटी दैट इलेक्ट्रॉन इन मेटल ऑक्यूपाइज द फर्मी लेवल एट एनी टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन, 0.5 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी, एंटीमनी फास्फोरस आर्सेनिक बोरोन, बोरोन बोरोन सर बोरोन, ये सब पेंटावेलेंट है, बाकी सब पेंटावेलेंट है याद रखना। Metals, materials do not having negative temperature coefficient of resistivity. Okay. Semiconductor. देखो, ये कह रहे हैं negative temperature. Okay. देखिए, Dabber rho by Dabber T. Okay. Not having negative. Not having negative मतलब positive. बोलिए. Yes, not n negative, दोनों मिला दिए तो क्या होगा, पॉजिटिव ना, पॉजिटिव, यस सर। ये कब पॉजिटिव होगा, टेल मी, अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो रेसिस्टिविटी बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए पॉजिटिव होने के लिए, बढ़नी चाहिए। ऐसा कौन से मटेरियल में होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी बढ़ती है, मेटल्स में होता है, मेटल्स में होता है, ओके, ठीक है। नहीं, ओम्स लॉ फॉर कंडक्शन मेटल्स आप जानते हैं, जे इक्वल्स टू सिग्मा, जे इक्वल सिग्मा,
N type silicon is obtained by doping silicon with phosphorus. Phosphorus. बाकी सब क्या है? हो ही नहीं सकता जर्मेनियम है ना, एल्यूमिनियम बोरो. बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन ये पता है आपको, ये इतना 1.1. ये कह रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से सिलिकॉन. आप जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? वीडी. इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन होता है उसका? प्रोपोर्शनल टाउ बाय एम माइनस का ही. जैसे आप जानते हैं ना ये मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वीडी बाय ई ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, इंप्लाइज दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई VD equals to mu EE. ये हो गई किस किस का रिलेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का. इसका मतलब क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसे बढ़ेगा? लीनियरली नॉन लीनियरली? लीनियरली. सभी इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यूज के लिए बढ़ता ही चला जाएगा. सर सैचुरेट हो जाता है कुछ वैल्यूज के लिए जाकर आगे. जैसे मैंने इस पर लिया VD और इस पर लिया x एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, इस पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो जब आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, बट इवेंचुअली इट विल सैचुरेट. ऐसा नहीं कि आप कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाओ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा. तो पहले लीनियरली बढ़ेगा, बट हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर वो सैचुरेट हो जाएगा. ऐसे एट हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल सैचुरेट इवेंचुअली. ओके, क्यों हो जाता है सैचुरेट? पहले बताओ लीनियर पोर्शन पर इसका स्लोप क्या होगा? म्यूई. म्यूई मोबिलिटी. तो आप मोबिलिटी निकाल सकते हैं क्या इसके स्लोप से? ध्यान रखिएगा, पता चला ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया. तो लीनियर पोर्शन पर जो उसका स्लोप होगा वो मोबिलिटी होगा. ओके, तो वाई इट इज सैचुरेटेड, ये पोर्शन क्यों आया, वाई इट इज सैचुरेटेड, उसका कारण यह है. जैसे जैसे क्या करेंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन तेज भागेगा. ओके, उसकी स्पीड बढ़ेगी, बट क्या होगा कि वो साथ साथ किससे टकराएगा, किसके साथ टकराता है? वो आयंस के साथ टकराता है. यस, स्कैटर विद द आयंस. ओके, तो क्या होगा जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा करते जाएंगे तो क्या होगा, के बाद रिलैक्सेशन टाइम उसका सर कम होता है. ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे तो एक लिमिट के बाद उसका वेलोसिटी बढ़ना रुक जाएगा. क्यों? क्योंकि वो ज्यादा से मतलब मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन्स करना शुरू कर देगा. किसके साथ? आयंस के साथ. ठीक है, क्योंकि जितना तेज वो चलेगा उतना ही जल्दी जल्दी स्कैटरिंग्स करेगा. ओके, तो वो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की थी वो किसको ट्रांसफर हो जाएगी? एक्चुअली इट विल बी ट्रांसफर टू द लैटिस. आयंस को ट्रांसफर होना मतलब लैटिस को ट्रांसफर होगा. yes. तो क्या होगा आंसर? Proportional to electric field at all values, गलत. Independent of electric field, गलत. Increases, ये भी गलत. क्या होगा? Increases linearly with electric field at low values and gradually saturates at higher values. Answer होगा D. Okay, 10 number. ब्रेक से पहले, ब्रेक है ना अभी, ये तीन क्वेश्चंस हैं. yes, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कंडक्टर इज गिवन. ठीक है, 10 नंबर में क्या गिवन है? कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गिवन है, यानी कि एन गिवन है. कितना हो गया? 1 डिवाइडेड बाय 1.6 10 to the power 22 per centimeter cube. Mobility of electron दिया हुआ है mu e. What is the value? 10 centimeters square per volt second. Resistivity आप जानते हैं. Conductivity क्या होता है? 1 by resistivity. N e mu e. मेटल में एक ही तरह के चार्ज कैरियर होते हैं. कौन?
इलेक्ट्रॉन ओनली, तो रेसिस्टिविटी किसके बराबर हो गया, वन बाय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ओके, वन डिवाइडेड बाय 1.6 × 10^22 इनटू 1.6 − 19, एंड मोबिलिटी कितना है 10। ये सब कौन से यूनिट्स में, ध्यान दीजिएगा इसको, सेंटीमीटर वाली यूनिट लग रही है सब, तो ये एंड ये कैंसिल हो गया, कितनी पावर बच रही है 10^-4, नीचे बचा कितना पावर, नीचे बच रहा है प्लस का 4, तो न्यूमरेटर में क्या होगा माइनस का 4, यूनिट क्या होगा ओम इनवर्स, नहीं रेसिस्टिविटी है, सॉरी रेसिस्टिविटी है तो ओम पर सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, सॉरी ओम पर सेंटीमीटर नहीं, ओम सेंटीमीटर। तो क्या क्या होगा आंसर, ओम पर सेंटीमीटर नहीं, ओम सेंटीमीटर, ओके आगे चलो। नेट चार्ज ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इज पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो, जीरो सर, जीरो। कोई भी टाइप का सेमीकंडक्टर हो, चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, इट विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। When pentavalent impurities added to silicon, it becomes insulator conductor, intrinsic N-type या N-type? N-type. N-type semiconductor. Okay, तो अभी इतना रखते, ठीक है? वो इसमें कितने questions हैं? ये शायद सबसे बड़ा assignment है। जी सर, सबसे बड़ा यही है। But इसके questions ना जल्दी से होने वाले हैं। टाइम कंज्यूमिंग सबसे ज्यादा जो था ना वो असाइनमेंट नंबर 3 था, इट इज नॉट दैट मच टाइम कंज्यूमिंग। 109 नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे या क्वेश्चन कराएंगे? नेक्स्ट क्लास में मैं पहले पढ़ाऊंगा, ओके पढ़ाऊंगा कौन सा इफेक्ट, हॉल का इफेक्ट, ओके फिर मैं क्वेश्चन, यहां पे 122 क्वेश्चंस है इसका, 122 सर। एक बार जो असाइनमेंट 3 का क्वेश्चन नंबर 18 था, उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ये बता दीजिए, मतलब शायद मुझे डाउट है थोड़ा। 18 रुक जा, एटीन का है ई वर्सेस के, ये हमने किया नहीं क्या सर? ये शायद किया नहीं है, ये आपने कही थी बाद में करवाएंगे। चलो तो कर लेंगे नहीं सर, इसको कर लेंगे, ओके इसको ब्रेक के बाद कर लेंगे, ओके। यहाँ पर लिखा हुआ ई वर्सेस के इज प्रोपोर्शनल टू ग्रुप वेलोसिटी, सही है बात गलत है, वैसे कर भी सकते हो इसको आप, मेरा करवाने की जरूरत नहीं है। ग्रुप वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है नहीं सर, ऑप्शन क्या पूछ रहा है, ऑप्शन सी भी हो सकता है ना। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि स्लोप ऑफ ई वर्सेस के इज प्रोपोर्शनल टू ग्रुप वेलोसिटी, ए और सी सही आ रहा है, ए सही है ना, यस सर। ग्रुप वेलोसिटी स्लोप ऑफ ई वर्सेस के इज मैक्सिमम एट पाई बाय ए, बिलियन जोन बाउंड्री पर मैक्सिमम, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, नहीं जीरो हो जाता है, जीरो हो जाएगा, नहीं मिनिमम होता। प्लॉट ऑफ ई वर्सेस के विल बी पैराबोलिक इन द एंटायर इंटरवल, पैराबोलिक होता है क्या? अभी मैं कैसा कई बार बना दिया मैंने तो ये? नहीं सर, पैराबोलिक जरूरी नहीं है, पूरे में पैराबोलिक होता है ई वर्सेस के का स्लोप, ई वर्सेस के पैराबोलिक नहीं होता ना, ये देखो यही बनाया था मैंने अभी, ये इज दिस पैराबोलिक इन एंटायर रेंज फर्स्ट बिलियन जोन, नो नो ई स्लोप ऑफ ई वर्सेस के इज नॉन जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के, आंसर इज रॉन्ग, जोन बाउंड्री पे जीरो हो जाता है, कौन सा सही है, सिर्फ ए सही है, ए ऑप्शन। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए सर, सेकंड दिखाना सर, एक बार क्वेश्चन नंबर 96 दोबारा समझाना जरा, ये हो गया लास्ट स्लाइड सर, क्वेश्चन नंबर 96 समझाना दोबारा। हाँ हाँ, पर इसमें हमें कैसे पता चल रहा है कि हमने मेटल के लिए पूछा है या मतलब किसके लिए पूछा है उसने? ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन पढ़ो,
हमें आंसर ऑप्शंस में ही देना है ना, वो तो मेटलिक कह रहा है क्रिस्टल इज मेटलिक फॉर इवन वैल्यूज ऑफ एन, क्रिस्टल इज मेटलिक फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन, एनी तो हो ही नहीं सकता, क्रिस्टल इज मेटलिक फॉर ऑड वैल्यू ऑफ एन, यही सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा ना, क्यों? जब ओड आती हैं वैल्यूज तो हाफ फिल्ड बैंड बनता है या फुल फिल्ड बैंड बनता है? सर हाफ फिल्ड बनता है। तो हाफ फिल्ड डेफिनेटली एक मेटल बनता है या उसकी कोई पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो इंसुलेटर बन जाए, नॉन मेटलिक बन जाए? नहीं तो सर फुली फिल्ड तो मतलब वो तो दो पॉसिबिलिटी तो सर फुली फिल्ड में आती है ना फिर इवन में। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसलिए जब ओड होगा एन तो तब सॉलिड कैसा बनेगा, क्रिस्टल कैसा बनेगा? मेटलिक श्योरली बोल सकते हैं कि मेटल है। तो आंसर डी हो गया ना। ओके वन टू थ्री फोर फाइव ओके ओके सर चलो ब्रेक के बाद देखते हैं। हाँ जी बताओ सर, वो जो टू इक्विवेलेंट वाला बताए थे ना वो थोड़ा समझ नहीं आया एक बार, और नेटवर्क चला गया था मेरा ये वाला ब्रिलियंट जोन में जो टू इक्विवेलेंट पोजीशन था सर। हाँ हाँ वो यही तो था। हाँ सर यही। तो इसमें इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? इक्विवेलेंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, ओके, यहाँ डिसअपियर होगा और यहाँ रीअपियर होगा, ओके। तो दो इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? एक टाइम पीरियड कब कंप्लीट हुआ माना जाएगा? यहाँ से यहाँ गया, यहाँ डिसअपियर हुआ, यहाँ रीअपियर हुआ और वापस आ गया। यस। तो ये जो डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस जो चल रहा है वो, ओके, तो वो टी बाई टू टाइम को बताएगी ना, वो कितने टाइम को बताएगी? टी बाई टू, जीरो से पाई बाई ए डिस्टेंस टी बाई टू टाइम को बताएगी, यानी कि टी बाई टू टाइम में वो कितनी डिस्टेंस चल लेगा, पाई बाई ए, पाई बाई डी, पाई बाई ए या पाई बाई डी ले रहे हैं अपन, डी ले रहे हैं। या आप कह सकते हैं कि टाइम पीरियड टी में, टाइम पीरियड टी में इतने डिस्टेंस गया, यहां रीअपियर हुआ तो कितनी, कितना चला वो, वो चला पाई बाई डी से पाई बाई डी, ओके। या आप यहां से चला दो उसको, यहां से शुरू कर दो, यहां से यहां पहुंचा तो वो कितना टाइम पीरियड हुआ? एक टाइम पीरियड हो गया ना पूरा। यस सर। बस ये कैलकुलेट कर लिया यहां पर न्यूमेरिकल। ओके सर, थैंक यू सर। ओके देखते ब्रेक के बाद बाकी।